Hello students, so welcome to this much awaited session, the revision session. So students, ye particular revision class jo ki primarily regular batch students or capsule batch students ye inka fayda uthayenge. Jo past batch ke students honge wo bhi primarily kya kar sakte hain, wo particular ye class ko go through kar payenge based on the लास्ट पर्टिकुलर आपके पास जो नोट्स होंगे मटेरियल्स होंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में प्राइमरी आप लोग ये चीज़ को रेफर कर लें, तो दैट इज विल कैन सर्व द पर्पस. कोई स्टूडेंट जो आउटसाइडर्स हैं एक तरीके से, तो वो अपनी कोई किताब जो जो मैं फ्लो रखूँगा, लाइक जैसे पहला रिविजन लेक्चर जो हमारा चलने वाला है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक क्लासिफिकेशन से लेके ये जाएगा पार्ट, दो पार्ट में आने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी. तो अगर मैं आपको बस एक झलक ही दिखा दूं कि पार्ट बी ये कहाँ तक जाएगा, पीजीबीपी पूरा एक तरीके से कवरेज है, पार्टनरशिप असेसमेंट होगा, फिर आपका एएमटी है, ये आपका प्राइमरी सेट ऑफ टॉपिक, ये सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स ये फर्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर्स के कॉन्टेक्स्ट में कवर किए जाएंगे. आईसीडीएस भी काफ़ी हद तक यहाँ पर अब कवर होगा. सो लेट्स बिगिन विद द पर्टिकुलर रिविजन सेशन. और ये बात भी बोल के खुशी है कि स्टूडेंट आज हमने एक अपनी अमेंडमेंट की बुकलेट रिलीज करवा दी है. ई बुकलेट है ये, इसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे रखा हुआ है. ये स्टूडेंट्स ई अमेंडमेंट बुकलेट में आपके जो अमेंडमेंट्स है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कुछ कुछ जो होंगे वो प्राइमरी वो उसके अंदर मैंने इनकॉर्पोरेट कर रखा है. एट द एंड ऑफ इट उसमें एक एमसीक्यू का क्वेश्चन भी मैंने रखा है जो अभी अभी हाल फिलहाल में आईसीएआई ने मई 20 के लिए प्राइमरी उन्होंने कुछ 91 एमसीक्यूज का सेट निकाला है, तो वो 91 एमसीक्यूज भी वो आपको वही बुकलेट में मिल जाएगा. जो करंट बैच के स्टूडेंट्स हैं रेगुलर एज वेल एज कैप्सूल वो इस पर्टिकुलर बुकलेट को रेफर नहीं करेंगे. उसकी वजह है कि आपका वैसे ही कवरेज हो चुका है, लेकिन हाँ एमसीक्यू पर्पस के लिए जो 91 एमसीक्यू आईसीएआई ने जो अभी रिसेंटली रिलीज किया है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप लोग क्या करना, ये बुकलेट रेफर कर लेना. तो यही चीज है, और अदरवाइज भी ये बुकलेट हैंडी रहेगा क्योंकि ई बुकलेट है, क्योंकि आपको बीच में कभी कुछ नहीं रहा तो यही रिविजन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ द अमेंडमेंट बुकलेट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर रिविजन सेशन. महादेव का स्टूडेंट्स नाम लिया जाए, महाशिवरात्रि का एक अवसर है, तो इस पावन अवसर पे महादेव आपकी मनोकामना पूरी करे. आप लोगों की मनोकामना क्या होगी वो तो जग जाहिर है, लेकिन फिर भी जो भी होगा प्राइमरी एक चीज बस रखूंगा, बोलूंगा स्टूडेंट्स आप लोगों को, ना डर ना संकोच, ना जीवन ना मृत्यु, केवल लक्ष्य, यही बस आप लोग ध्यान रखें और उसी कॉन्टेक्स्ट में फोकस बना के चलेंगे और पूरी तरह से जी जान लगा देंगे ये प्रोसेस पे, बाकी सब मादे पे छोड़ दीजिए. लेट्स स्टार्ट विद दिस वन स्टूडेंट्स रिविजन क्लास. सबसे पहले ध्यान रखना स्टूडेंट्स की जो क्लासिफिकेशन टोटल इनकम का सबसे पहला पर्टिकुलर पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे जब टोटल इनकम कॉम्प्यूटेशन करने की बारी आती है तो पांच हेड्स के अंदर ये टोटल इनकम कॉम्प्यूट करना पड़ता है. हर एक हेड्स ऑफ इनकम के जो रूल्स ऑफ कॉम्पिटिशन है वो अलग है. हर एक हेड्स ऑफ इनकम के जो रूल्स ऑफ इनकम जो रूल्स ऑफ कॉम्पिटिशन है वो सब अलग है, और यही वजह है कि करेक्ट क्लासिफिकेशन का करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द इनकम इन द अप्रोप्रिएट हेड बहुत जरूरी हो जाता है. द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम इन द अप्रोप्रिएट हेड ये काफी जरूरी हो जाता है. गलत क्लासिफिकेशन होगा तो गलत इनकम आएगी बाहर. उसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन हमारे लिए इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है. ये पर्टिकुलर एरिया जो क्लासिफिकेशन की बात आती है कि हाँ भाई ये किस हेड के अंदर ये जाएगा, तो उसमें स्टूडेंट्स केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीएआई इस पे केस लॉज ही पूछेगा एग्जामिनेशन में. यू विल बी गेटिंग ओनली द केस लॉज, और यही वजह स्टूडेंट्स इसमें जो एक्सपेक्टेड केस लॉज होंगे आपके अपने एग्जामिनेशन के लिए वो ऑन क्लासिफिकेशन, कि ये इनकम को किस हेड में क्लासिफाई किया जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में जो एक्सपेक्टेड केस लॉज है वो आपके सामने रखा गया है. सबसे पहले है यहां पे आपका न्यू दिल्ली होटल्स लिमिटेड, जिसमें एक बिल्डर जो है स्टूडेंट्स क्या होता है, बैकग्राउंड जल्दी से बता दो आपको, हाउस प्रॉपर्टी का हेड जो है
प्राइमली उसमें तीन कंडीशन के फुलफिलमेंट पे जो एनुअल वैल्यू होगी हाउस प्रॉपर्टी की, वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में क्लासिफाई किया जाएगा। तीन कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, तब जाके ही एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो तीन कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है द एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड पर्टिनेंट थेरटू, और तीसरा कंडीशन क्या है? द एसएससी शुड नॉट बी कैरिंग आउट द बिजनेस इन दैट हाउस प्रॉपर्टी। वो हाउस प्रॉपर्टी में एसएससी ने अपना बिजनेस नहीं कंडक्ट करना है। अब जो एक बिल्डर होता है, जिसके लिए बिल्डिंग क्या है? एक स्टॉक इन ट्रेड है। फॉर अ बिल्डर, व्हेन द बिल्डिंग इज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो फिर आप बताएंगे स्टूडेंट्स कि अगर बिल्डर के लिए वो जो बिल्डिंग है, इफ इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो आप ही ने बताना है। बताइए क्या, कि क्या वो जो स्टॉक इन ट्रेड है फॉर दैट पर्टिकुलर बिल्डर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या वो उस हाउस प्रॉपर्टी से अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा है? एंड आंसर इज नो, क्योंकि उसका बिजनेस क्या है? व्हाट इज द बिजनेस ऑफ द बिल्डर जिसके लिए हाउस प्रॉपर्टी इज अ स्टॉक इन ट्रेड? तो उसका बिजनेस है बिल्डिंग बनाना फॉर द पर्पज ऑफ सेल, बना के बेचना, ये है उसका बिजनेस। और जबकि यहां पे वो क्या करेगा, बाय चांस अगर जो उसकी हाउस प्रॉपर्टी है वो किसी वजह से, आपको पता ही है कि रिसेशन की वजह से वो उसकी हाउस प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो किसी कॉरपोरेट टाइप के जरिए वो बहुत सारे अपने जो यूनिट्स हैं वो लेट आउट करवा दे। तो अगर वो लेट आउट करवा के अगर उसको रेंट मिलता है, वो बिल्डर, अभी भी रिपीट कर रहा हूं, जिसके लिए हाउस प्रॉपर्टी क्या है? स्टॉक इन ट्रेड, तो वो अगर लेट आउट करवा के अगर उसको रेंटल इनकम आ रही है, तो वो रेंटल इनकम किस हेड में चार्ज होगी? अंडर द हेड, अंडर विच हेड? अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बिकॉज जो तीसरा कंडीशन है वो क्या था? वो ये था कि द एसएससी शुड नॉट बी कैरिंग आउट हिज बिजनेस इन दैट हाउस प्रॉपर्टी। तो ये तो उसका बिजनेस नहीं है बिल्डिंग पे इसको लेट आउट करना, दैट इज नॉट हिज बिजनेस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो भी ये एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है, मतलब कि ये तो बताने वाली बात नहीं, दिस इज एन एस्टैब्लिश प्रिंसिपल कि एक बिल्डर जिसके लिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या कोई भी हाउस प्रॉपर्टी अगर उसकी स्टॉक इन ट्रेड है और वो उसे लेट आउट करवा के रेंट कमाता है, तो फिर ऐसे हालात में वो रेंटल इनकम की चार्जेबिलिटी बनेगी किस हेड में? अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट इसमें नोट करना, मैंने एक कुछ पॉइंट भी लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज बता दूं, ये जो कलरिंग जो इस्तेमाल की गई है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो कलरिंग इस्तेमाल हुई है इसमें, ये जो रेड कलर है वो आपको हेडर मिलेंगे, मतलब कि सेगमेंट, अगला अगला सेगमेंट में रेड में मैंने रखा हुआ है इसको, ब्लू में मैंने रखा है फॉर द पर्पज ऑफ दी, कुछ इंपॉर्टेंट जो हेडर्स बनाने हैं या कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स को हाईलाइट करवाना, तो हेडर और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के लिए। बीच में आपको शुरू ग्रीन कलर भी दिखेगा, यू विल ऑल्सो गेट ग्रीन कलर ऑल्सो, ये आईसीडीएस के लिए मैंने रखा हुआ है, सो दिस इज फॉर आईसीडीएस। और फाइनली आपको जो कंटेंट, मेन कंटेंट है वो ब्लैक में रहेगा। अच्छा और एक चीज बता दूं आगे बढ़ने के पहले, ये जो स्लाइड होगी ना, ये स्लाइड को मैं अपने हमारे वापस से यहाँ पर लिख देता हूँ, DSTC ऐप का जो चैनल है वहाँ पे ये पूरी स्लाइड मैं रखवा दूंगा, ताकि आप लोग का टाइम बच पाए। DSTC के ऐप में, प्ले स्टोर में जाके ये ऐप में आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे मैं ये पूरी स्लाइड वहाँ पर रख दूंगा। अच्छा नहीं, अगर आपको प्राप्त हो, चाहे जो भी वजह हो, तो यहाँ पे आप जरा कांटेक्ट करके ले लीजिएगा, ठीक है? DSTC के ऐप में जाइए, वहाँ पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में ये आपको फाइल वहाँ से डाउनलोड करके मिल जाएगी। अदरवाइज आप लोग ये नंबर प्राइमली वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप के जरिए, और आपको ये फाइल मिल जाएगी, ठीक है? चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट है। अब इसमें और एक काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर एक बिल्डर, जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में आपको ये बताया था कि उसने भाई लेट आउट करवाई हाउस प्रॉपर्टी, उसने क्या किया, लेट आउट करवाया हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन अगर लेट आउट नहीं रहा वो हाउस प्रॉपर्टी, ऑब्वियस बात है कि रिसेशन है, अनसोल्ड यूनिट है, लेट आउट भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर उस हालात में जो अनसोल्ड यूनिट होगी, उस अनसोल्ड यूनिट का एक बहुत खतरनाक सिचुएशन बन सकता है हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, और वो क्या है? द DLOP यूनिट कंसेप्ट।
तो डीएलओपी यूनिट का कंसेप्ट है, जिसके वजह से क्या है, नोशनल रेंट क्या होगा, चार्ज होगा किसके हाथ में, बिल्डर के हाथ में। अब आप वो सोचिए कि एक बिल्डर जिसका 50% ऑफ इन्वेंट्री, 50% ऑफ इन्वेंट्री ये अनसोल्ड है, और अगर ये अनसोल्ड है तो फिर उस केस में उसका नोशनल रेंट अगर आप ले लोगे तो वो ऐसे ही आधा मर चुका है बिकॉज ऑफ द रिसेशन। थोड़ी बहुत जो जान बची है वो आप निकाल लोगे बाय टैक्सिंग अ नोशनल रेंट अंडर द एड हाउस प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने ये बात समझी थी, फाइनेंस एक्ट 2018 में अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन वो अमेंडमेंट में उनको रिलीफ 1 साल का था। अब ये FA 2019 में ये रिलीफ को और बढ़ा दिया है 2 सालों के लिए। किस रिलीफ की बात हो रही है, जरा ब्लू में देखना क्या है। देखो क्या लिखा हुआ, हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड, रेंटल इनकम अराइजिंग देयर फ्रॉम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट देन GAV शैल बी निल अप टू 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड। 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज बीन रिसीव्ड। दूसरा सबसे पॉपुलर केस लॉ, चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें स्टूडेंट जो आपको लिखना है एग्जामिनेशन में और जो याद रखना है एग्जामिनेशन में वो क्या है, वो यही है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो थी कंपनी की, उसमें उसके जो मेन ऑब्जेक्ट जो पता चलता है क्या था, वो मेन मेन ऑब्जेक्ट डेवलप करना है हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ लेट आउट, डेवलप कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ लेट आउट। जैसे कि बहुत सारे मॉल्स हैं, उसको आप क्या करते हैं, डेवलप करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, लेटिंग आउट, बेचने के लिए नहीं है, वो डेवलप किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ लेट आउट। तो आप बताएं कि अगर उसे डेवलप किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ लेट आउट, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपको बताना होगा कि क्या इनके लिए ये स्टॉक इन ट्रेड है, एंड द आंसर इज नो। तो ये कोई स्टॉक इन ट्रेड उसका नहीं हुआ, क्योंकि वो बेचना नहीं, उन्होंने बनाया है फॉर द पर्पस ऑफ लेट आउट। तो उनका बिजनेस ही है क्या करना, लेट आउट करवाना, और क्योंकि उसका बिजनेस ही है लेट आउट करवाना, इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी के जरिए असेसी बताओ क्या कर रहा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। और अगर वो उस प्रॉपर्टी के जरिए अपना बिजनेस कर रहा है तो फिर सेक्शन 22 जो कि चार्जिंग सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जिसका मतलब ये है कि जो रेंटल इनकम है वो चार्जेबिलिटी उसकी किस हेड में चली जाएगी, अंडर द हेड PGBP, उसकी चार्जेबिलिटी चली जाएगी अंडर द हेड PGBP। ठीक है, तो ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। राज दादरकर एंड एसोसिएट्स, इसकी भी प्रबल दावेदारी है स्टूडेंट्स आपके टाइम में, प्रबल दावेदारी है राज दादरकर एंड एसोसिएट्स, ये पार्टनरशिप फॉर्म है। इसमें 2 मुद्दे थे, बताइए वो 2 मुद्दे कौन से थे। पहला था एक डीम ओनरशिप का, डीम ओनरशिप के मुद्दे में हुआ ये था कि ये एसएससी एक लेसी था, बिल्डिंग का एक लेसी था, और जो लीज पीरियड है वॉज फॉर मोर देन 12 ईयर्स। आप एक बिल्डिंग के लेसी हो और वो लीज पीरियड जो बिल्डिंग का है इज फॉर मोर देन 12 ईयर्स, इस वजह से 27 सेक्शन 27 में यह कहा गया है कि अगर लीज पीरियड मोर देन 12 इयर्स है तो फिर लेसी बन जाएगा, बताओ क्या, द डीम डोनर, और उसी वजह से ये यहां पे एसएससी को डीम डोनर माना गया है। दैट इज वन। मैं ये डीम डोनरशिप इसके लिए फोकस करवाई जा रही है क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में जो चार्जेबिलिटी बना था वो चार्जेबिलिटी बना था अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इसी वजह से डीम डोनर वाला पॉइंट क्रिटिकल था। तो एनीवेज, तो फर्स्ट पॉइंट वाज कि क्या पार्टनरशिप फॉर्म जो कि एक प्रॉपर्टी ओन करती है, बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग को ओन करती है, विच वाज टेकन ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 इयर्स, तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म को डीम डोनर माना जा सकता है ना, आंसर इज यस। अब दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट अगर आप देखोगे यहां पे द ऑब्जेक्ट, अच्छा यहां पे पार्टनरशिप डीड में जो उनका ऑब्जेक्ट क्लॉज था, सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर, सेकेंड पॉइंट जो इनका ऑब्जेक्ट क्लॉज था वो उसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि एग्जैक्टली इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। अनलाइक इन द केस ऑफ चेन्नई प्रॉपर्टीज वाला जो केस लॉ अभी अभी हमने जो किया था, जहां मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वहां पे क्लियरली डिपिक्ट हो रहा था, बताइए क्या वहां पे क्लियरली यही डिपिक्ट हो रहा था, दैट द बिजनेस ऑफ द एसएससी इज टू डेवलप द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ लेट आउट। जबकि राज दादरकर एंड एसोसिएट इस पर्टिकुलर केस में ये उनको पता नहीं चल रहा था
कि बिजनेस एग्जैक्टली है क्या. सो देयर फॉर इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लॉज वॉज नॉट वेरी क्लियर एज टू शो वेदर द बिजनेस ऑफ द एसएससी इज दैट ऑफ लेटिंग इट आउट, वो पता नहीं चल रहा था. और लास्ट में और एक तीसरा पॉइंट है, बताइए क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट पे ध्यान रखना. एसएससी भी हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस, एसएससी की तरफ से भी कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं आया. चलो ठीक है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है पार्टनरशिप डीड के अंदर वो अपने आप पे पर्याप्त नहीं था ये बताने के लिए दैट द बिजनेस ऑफ द एसएससी इज दैट ऑफ द लेटिंग आउट. लेकिन फिर उसकी वो नहीं अगर है तो कम से कम फिर एसएससी का ओनस बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएससी पर आती है ये प्रूव करने के लिए दैट द लेटिंग आउट जो उसकी एक्टिविटी है उससे उसका सब्सटैंशियल इनकम ये बन रहा है. कम से कम फिर तो ये तो प्रूव करना है ना आपने कि टोटल इनकम में जो लेटिंग आउट वाली जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी प्राइमरी वो आपको क्या है सब्सटैंशियल इनकम दे रहा है. ये भी एसएससी एस्टैब्लिश नहीं कर पाया. एंड देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखो ना ये केस लॉ में फैक्चुअल तर्क ज्यादा दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज को देख के इन्होंने ये बयां किया है. साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि एसएससी की तरफ से भी कोई उन्होंने फर्निश नहीं किया या सब्सटैंशिएट नहीं किया कि लेटिंग आउट से ही उसको क्या है मेन इनकम आ रहा है. तो देखो जल्दी से, ऑब्जेक्ट क्लॉज इन द पार्टनरशिप डीड इनकंक्लूसिव टू सजेस्ट दैट द लेटिंग आउट वॉज मेन बिजनेस एक्टिविटी. और लास्ट पॉइंट क्या है, एसएससी फेल टू प्रोड्यूस एविडेंस टू शो दैट इट्स एंटायर इनकम वॉज फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, लेटिंग आउट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, आगे है तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टूडेंट्स. इसमें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें अगर आप देखो ना तो जो तमिलनाडु हाईकोर्ट, जो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसमें कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने दे हैव गॉन विद द फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बिटवीन तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिनकी प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने क्या किया था लेट आउट करवाया था किसको, टू ऑल इट्स वेरियस टू द फ्रेंचाइजी के लोकेशन पे जहां पे उनकी प्रॉपर्टी को उन्होंने लेट आउट करवाया था. लेकिन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से ये पता चल रहा था, जिस तरीके से लेट आउट करवाया गया है उससे ये पता चल रहा है दैट एसएससी उस प्रॉपर्टी के जरिए क्या कर रहा है, वो अपना बिजनेस कंडक्ट करवा रहा है. एसएससी उस प्रॉपर्टी के जरिए वो अपना बिजनेस कंडक्ट करवा रहा है और इसी वजह से इस जजमेंट पे यही कहा गया था कि द लेटिंग आउट की वजह से जो रेंटल इनकम उसको मिल रहा है वो इनकम किस हेड में चार्ज होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी. सो यहां पे जो फोकस पॉइंट था स्टूडेंट्स वो क्या था, the terms of the contract was looked upon and on that basis finally conclude kiya gaya tha that letting out of the activity, jo letting out ki activity thi usi wajah se SSC ko kya hai apna substantial income aa raha hai. ab agar aap dekhoge students yahan pe PGBP ke head mein aa jaiye to pehle to aapne students karna hai ye sare case law on classification examination perspective se, kyunki yahi se ab aapka kya hoga agar koi question banta hai ऑन द क्लासिफिकेशन पार्ट कि किस हेड का ये इनकम माना जाएगा तो आप लोग रेडी रहना. अब आएंगे हेड्स ऑफ इनकम में, तो पहले आइए पीजीबीपी के चार्जिंग सेक्शन पे. पहला है जनरल चार्ज 28(1). हर एक हेड ऑफ इनकम में आपको, मतलब कि अगर आप मेन हेड में अगर आप देखोगे तो पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन्स, इसमें एंड आईएफओएस टू एन एक्सटेंट, क्योंकि अब तो आईएफओएस भी इंपॉर्टेंट हो गया एक तरीके से. तो पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड आईएफओएस अगर आप देखोगे ना तो हेड्स ऑफ इनकम की खासियत ये होती है कि आपको पहला सेक्शन मिलता है क्या, जनरल चार्जिंग सेक्शन, और फिर उसके बाद आपको मिलेगा द स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन. पहला आपको मिलेगा द जनरल चार्ज और सेकेंड आपको मिलेगा द स्पेसिफिक चार्ज. तो अगर आप जनरल चार्ज की तरफ देखेंगे तो प्रॉफिट एंड गेन्स, ये क्या वर्ड लिखा गया है मुझे बताओ, अगर याद होगा, अगर आपको 28(1) की पूरी वर्डिंग्स अगर याद है तो जल्दी से बताएंगे ईमानदारी से क्या लिखा गया है. बिल्कुल सही कह रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो जो चार्जेबिलिटी है स्टूडेंट्स वो किस पर है, इट इज ऑन द प्रॉफिट एंड गेन्स. और ये जो प्रॉफिट एंड गेन्स है ये कॉम्प्यूट किया जाता है एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली फॉलोड बाई द एस एस सी.
फिर से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैं ये रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, वो ये है कि दो जो हेड है दैट इज पीजीबीपी एंड आईएफओएस, इन पे बताओ क्या भारी रहता है? उन पे भारी रहता है वो है आपका सेक्शन 145, जो ये कहता है कि इन दोनों हेड्स ऑफ इनकम के लिए जो आपको बेस इनकम लाना पड़ेगा वो होगा द अकाउंटिंग इनकम। तो जो बेस इनकम जो रहेगा, जो बेस अमाउंट है जिस पे आपको आगे अपनी कार्रवाई करनी है, वो अकाउंटिंग इनकम होगी। तो अकाउंटिंग इनकम को बेस बना के आप उस पे आगे क्या करोगे, एडजस्टमेंट दिलवाओगे। और इसी वजह से स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे, जब आपको अपनी पीजीबीपी कैलकुलेट करनी होती है तो कुछ इस तरीके से आपका सॉल्यूशन का फॉर्मेट निकलता है। और वो क्या निकलेगा, तो प्रॉफिट एंड गेन्स को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज दैट वी आर सेइंग टू प्रॉफिट एंड गेन्स, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। क्यों एडजस्टेड? क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट का मैंडेट लिया, अकाउंटिंग प्रॉफिट का मैंडेट हमें दिया गया है अंडर सेक्शन 145 कि आप इन दोनों हेड्स के लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट को बेस बना सकते हैं, और फिर उस पर्टिकुलर प्रॉफिट पे आप आगे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट देंगे। और इसी वजह से स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो जो बुक्स में जो क्वेश्चन में आपको दिया जाता है नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स, तो जो भी बुक्स का नेट प्रॉफिट है उस पे पहले आप क्या करते हो, एड और लेस। ये क्या है, क्लासिफिकेशन। व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन, इनकम व्हिच इज चार्जेबल अंडर अदर हेड्स, जो दूसरे हेड्स में ये इनकम जो चार्ज है उसको आपने पहले फिलहाल के लिए क्या करना है, बाहर निकालना है। क्यों बाहर निकाल रहे हो, उसको आप बाद में करेंगे सेपरेटली कंसिडर, तो वो आप इनकम को बाहर निकाल के फिर देखिए मैंने क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स फॉर बिजनेस डिटरमाइंड एज पर व्हाट, एज पर द कमर्शियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट है किसका है, दिस इज अ नेट प्रॉफिट विच इज एज पर द बुक्स, अभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही क्या है, ये प्रॉफिट बनाया गया है। और ये प्रॉफिट को फिर आप आगे क्या करते हो, फर्दर एडजस्ट करते हो, किससे, विद द स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट। और वो आपका एडजस्टमेंट चलेगा फ्रॉम सेक्शन 28 टू सेक्शन 44DA। आपको ये तो पता ही होगा कि पूरे पीजीबीपी में आप क्या करते हैं, सिर्फ एड और लेस ही करवाते हैं, मतलब वहां पे सिर्फ एडजस्टमेंट का ही इफेक्ट चलता है फ्रॉम सेक्शन 28 टू 44DA। एंड एट द सेम टाइम देयर इज आईसीडीएस 1 to 10। मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया था, एक बार जल्दी से वापस से एक क्विक रिपीट कर लेता हूं। देखिए एक चीज तो पक्का है, बेस आपका अकाउंटिंग इनकम है, उस पे आपको 28 से लेके 44DA का एडजस्टमेंट देना है, और फिर बाद में मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट आपको बाद में देना होगा ऑफ द आईसीडीएस 1 to 10। लेकिन बेस आपका क्या है, अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग इनकम आएगा फ्रॉम योर अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसके बेसिस पे आप अपनी अकाउंटिंग इनकम लाते हो। तो जब आपका बेस अमाउंट ही अकाउंटिंग इनकम है तो आप समझ सकते हो ना कि यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा भारी है। अब आप एक ही आपको सिंपल एग्जांपल पूछता हूं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन बताएं। कोई 28 से लेके 44DA जो आपको एडजस्टमेंट करने हैं पीजीबीपी के हेड के अंदर अंडर 28 टू 44DA, वहां पे है कोई ऐसा सेक्शन जो बताता हो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में? एंड आंसर इज नो, ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अब जो आपका इनकम है पीजीबीपी का, दैट इज स्टिल हेविली इन्फ्लुएंस्ड विद, हेविली इन्फ्लुएंस्ड विद व्हाट, हेविली इन्फ्लुएंस्ड विद योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो जो बेसिस है वो क्या है, प्रूडेंस है, वो कंजर्वेटिज्म है, गोइंग कंसर्न है, ये सब चीजों को देख के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया जाता है। जबकि इनकम टैक्स लॉ को इससे मतलब नहीं है, इनकम टैक्स लॉ को मतलब है रेवेन्यू से। तो ऑब्वियसली जब आपका फाउंडेशन स्टैंडर्ड बनाने के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए ही अलग है एज कंपेयर टू द बेसिस फॉर व्हाच फॉर व्हिच द इनकम टैक्स इज टू बी कंसिडर्ड, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट को नुकसान हो जाता है। और यही वजह है कि उन्होंने अपने 10 स्टैंडर्ड नोटिफाई कर दिए हैं अब तक, विच इज इनकम कॉम्पिटिशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। दे आर इन ऑल 10 स्टैंडर्ड्स विच आर बिंग नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट सो फार
विच इज़ नोन एज इनकम कॉम्पिटिशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। अब जब भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा किसके बीच में, बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बिटवीन द ICDS, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स, उस पर्टिकुलर केस में आपको ये पता चलेगा कि देन द ICDS विल प्रिवेल ओवर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ICDS क्या है, प्रिवेल कर जाएगा ओवर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। एक शुरुआत में ही एग्जाम्पल ले लेते हैं ICDS 4 का। ICDS 4 में स्टूडेंट्स आपको गुड्स से, गुड्स के ट्रेडिंग पे, गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में कब इनकम रिकॉग्नाइज करना है, क्या होगा क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन गुड्स, क्या होगा द क्राइटेरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ इनकम इन फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विस। फिर आपको डिविडेंड हुआ, इंटरेस्ट हुआ, रॉयल्टी है, ये ऐसे आपको फिर पैसिव इनकम के बारे में भी आपको क्राइटेरिया बताई जाती है, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इनकम फॉर दीज पर्टिकुलर एलिमेंट्स। अब इस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर केस में अगर आप गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में जाए, तब तो जो क्राइटेरिया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में है, वही सेम क्राइटेरिया यहां पर भी है ICDS 4 में, कोई डिफरेंस नहीं है यहां पे। कुछ आपको इसी वजह से ना वो चीज को बार बार पढ़ के अपना सर मत फोड़िएगा, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो ही बोलता है कि भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जानी चाहिए फॉर अ कंसिडरेशन एंड देन देर शुड नॉट बी एनी अनसर्टेनिटी अबाउट द अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसिडरेशन अमाउंट। वही जो आपने AS 9 में पढ़ा था, सेम वही है। जो फर्क आपको देखने को मिलेगा वो होगा इन द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। जहां तक स्टूडेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है कि अगर अगर तो आपका क्या है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, इफ इट इज फॉर लेस देन 90 डेज, तब तो आप या तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड या कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, दोनों में से कोई भी एक मेथड को अप्लाई करके आप क्या करेंगे, अपना इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे। दोनों में से कोई भी मेथड को अप्लाई करके आप अपना इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन क्या, लेकिन अगर अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज फॉर मोर देन 90 डेज, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास स्टूडेंट्स ऑप्शन नहीं है और आपने रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी ओनली एज पर व्हाट, एज पर द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, POCM, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। यही पर आपको देखने को मिलता है हाउ मच द डिविएशन हैज इज हैपनिंग फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वीज अ वीज द ICDS, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ 90 डेज का कोई थ्रेशोल्ड नहीं है कि भाई आपको कोई चॉइस है कोई कि आपको यही करना है, अगर वो 90 डेज के ऊपर चला जाए तो, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं है। ये पर्टिकुलर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ICDS में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप देखोगे इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें, तो इंटरेस्ट इनकम ICDS 4 दो हिस्सों में बांटता है। बताइए वो दो हिस्सा क्या है। एक है इंटरेस्ट ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सो फार एज इंटरेस्ट ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस आर कंसर्न, उसकी रिकॉग्निशन होगी, बताइए किस बेसिस पे, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ, जल्दी बताओ, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल रिसीट। तो जब वो एक्चुअली आपको रिसीव होगा द इंटरेस्ट ऑन ड्यूटीज और टैक्सेस, दैट इज द टाइम और द ईयर इन विच द रिकॉग्निशन शुड बी मेड। दैट इज द टाइम और द ईयर जिस साल में आपको इसकी रिकॉग्निशन लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं सर हमारा इंटरेस्ट ऑन टैक्सेस नहीं है, ये अदर इंटरेस्ट है, तो फिर ऐसे केस में अगर ये इंटरेस्ट ऑन टैक्सेस नहीं है, से फॉर एग्जांपल इट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने किसी को लोन दिया है और मुझे उससे इंटरेस्ट इनकम आना है, तो फिर मुझे एज पर ICDS 4 रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस के हिसाब से स्टूडेंट्स क्या है, आपको इसकी रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी। दैट एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका एक ICDS का झलक। तो यहाँ पे मैंने बताना जरूरी समझा, देखो ऐसे ही ICDS टुकड़ों में कर करके आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हो। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताया गया कि क्यों भाई ICDS का एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जो बेस वैल्यू जो हम लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग आवर प्रॉफिट एंड गेन्स, वो एक अकाउंटिंग प्रॉफिट है, और अकाउंटिंग प्रॉफिट हेवीली इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे, विद द अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
तो क्या था चार इन सेक्शन के वर्डिंग्स? देखो, वर्डिंग्स को तोड़ दिया गया, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब बिजनेस पे थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए स्टूडेंट्स, बिजनेस पे मैन्युफैक्चरिंग है, मानते हो इस बात को? बिल्कुल। और मैन्युफैक्चरिंग को लेके आपको तो पता ही है कि बहुत सारे स्पेशल प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है सो फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। और यही वजह है स्टूडेंट्स कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना इस पे। और यहां पे अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चर पे, ये जो अमेंडमेंट, बहुत हाल फिलहाल का अमेंडमेंट है, ये आरटीपी में भी इसको रखा गया है। और मैन्युफैक्चर को उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली इसका मीनिंग उन्होंने इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव तरीके से बताया कि मैन्युफैक्चर में क्या चीज एक्सक्लूड होगा और जो चीजें अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग उसे मानी जा सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। अब भारत लॉ हाउस क्या करता है, मेरी कैप्सूल की किताब बनाता है, तो उसकी एक्टिविटी प्रिंटिंग ऑफ बुक्स है, तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है, क्योंकि पहला प्रिंटिंग के पहले तो वो पेपर था और अब ये बुक हो गया है या प्रिंटेड पेपर हो गया है। और इसी वजह से एक नया प्रोडक्ट, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट इमर्ज हुआ है, तो वाकई में देखा जाए तो वो मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने अमेंडमेंट अमेंडमेंट की कलम चला दी और देखिए अब एक्सक्लूजन, देखिए मैन्युफैक्चर से क्या क्या होगा, लेट्स हैव अ लुक। सो मैन्युफैक्चर एक्सक्लूड्स बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म और मीडिया, ठीक है, तो इसको आपने बाहर निकाला है, या फिर माइनिंग, इसे भी आपने बाहर निकाला है, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स और सिमिलर आइटम इनटू स्लैब्स, तो ये सब जो मार्बल ब्लॉक्स इनटू द स्लैब, बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, तो जो सिलेंडर जो इनिशियली तो पाइपलाइन से, गैस पाइपलाइन से आती है और फिर उसको बॉटलिंग किया जाता है सिलेंडर, तो वो भी मैन्युफैक्चर नहीं होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखना, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, तो अगर कोई ऐसा एसएससी है जो कि प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, वो बिजनेस में अगर वो अपने आप को एंगेज करता है, देन इन दैट केस स्टूडेंट्स ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। आप बोलोगे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा भाई, एडिशनल डिप्रिसिएशन किसको मिलता है, किसको मिलता है एडिशनल डिप्रिसिएशन, सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को। तो और भी कुछ ऐसे अभी कंपनी रिलेटेड नए प्रोविजंस आए, आपको पता ही है 115BAB BAA, तो कंपनी रिलेटेड नए प्रोविजंस आए हैं जहां पे अगर आप देखोगे तो थ्रस्ट इज ओनली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग को बल दिया गया है। और इसी वजह से अगर आप मैन्युफैक्चर के लिए डिस्क्वालिफाई अगर हो जाते हो, तो फिर आपको वो सारे इंसेंटिव वाले प्रोविजन नहीं मिलेंगे। सो देयरफॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट शुड ऑलवेज बी बोन इन माइंड। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन आपने देख लिया, इट शुड ऑल्सो बी कैरीड ऑन बाय द एसएससी, मतलब कि एसएससी को वो बिजनेस को कैरी करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, कैरी करना मतलब कि जरूरी नहीं कि फिजिकली एसएससी को ही वो कैरी करना है, ये आवश्यकता नहीं है। बहुत ये देखा जाएगा कि क्या एसएससी के पास वो अथॉरिटी था टू कंडक्ट द बिजनेस ऑन इज ओन अकाउंट, क्या एसएससी के पास वो अथॉरिटी था टू कंडक्ट द बिजनेस इन हिज ओन अकाउंट। अगर आप कहते हो कि हाँ भाई वो एसएससी के पास अथॉरिटी था टू कंडक्ट द बिजनेस इन हिज ओन अकाउंट, तो फिर यस, इन दैट पर्टिकुलर केस आप कह सकते हो दैट द बिजनेस वॉज कैरिड ऑन बाय द एसएससी। तो इसी वजह से अगर आप देखते हो कि जो एजेंट है वो क्या करता है, वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो बिजनेस कंडक्ट करता है, तो वो उसके अपनी खुद की अथॉरिटी नहीं है, ही वॉट एवर ही डज ही इज डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, एंड देयर फोर इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज अ प्रिंसिपल हु वुड बी असेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन कैरिड ऑन बाई द एजेंट। तो प्रिंसिपल के हाथ में आप असेस करोगे वो इनकम जो कि अराइज हो रहा है किससे, फ्रॉम द ट्रांजेक्शन, किसने किया, बाय द एजेंट। अब आप देखोगे अगले पर्टिकुलर लास्ट पैराग्राफ में, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सो कैरिड ऑन बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट जो चार्जेबिलिटी आप करोगे वो प्रॉफिट एंड गेन्स की चार्ज करोगे, किस साल का, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड गेन्स का होना का मतलब क्या होगा कि भाई प्रीवियस ईयर का अगर ये प्रॉफिट एंड गेन्स अगर आपको मानना है, तो इसका मतलब यही है कि करंट ईयर के जो आइटम्स है
करंट प्रीवियस ईयर के जितने भी रेवेन्यूज होंगे उसको आप एडजस्ट करोगे, उसको आप रिड्यूस करोगे विद द करंट ईयर एक्सपेंडिचर या करंट ईयर लॉसेस से। क्योंकि अगर आप बोलते हो प्रॉफिट एंड गेन्स जो मैं चार्ज करूंगा वो करूंगा ऑफ द प्रीवियस ईयर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो करंट ईयर के जो आइटम्स है रेवेन्यू के, दैट विल बी एडजस्टेड और दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द करंट ईयर लॉस एक्सपेंडिचर एंड लाइबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि एज फार एज 28(1) इज कंसर्न, एज फार एज 28(1) इज कंसर्न, कोई प्रायर पीरियड आइटम का क्या आप डिडक्शन ले सकते हो? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि भाई प्रॉफिट एंड गेन्स तो आपको प्रीवियस ईयर का ही लाना है। तो इस वजह से जो प्रायर पीरियड आइटम है उसको, उसकी डिडक्शन आप आउटराइटली नहीं ले पाओगे स्टूडेंट्स, जनरल प्रिंसिपल पे इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है जहां पे ये कोई पुराना जो खर्चा है उसकी डिडक्शन देने की बात कही गई है, तो क्या आपको फिर उस सेक्शन के जरिए पुराने खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा? एंड आंसर इज यस। एक एग्जांपल जल्दी से बता के खुश कर दो। 35D, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये तो एक ही एग्जांपल है। 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक सेक्शन है, इस वजह से वो एक्सपेंडिचर जो कि आपने इनकर किया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको मिलता है किस साल से? जब आपने बिजनेस को कमेंस किया है तभी से। सो दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द डिडक्शन वुड बी अलाउड। उसी तरीके से जो सब्सिक्वेंट ईयर की जो लाइबिलिटी है उसका डिडक्शन आप लेने की कोशिश करते हो बाय मेकिंग द प्रोविजन। ये भी बात है कि जो सब्सिक्वेंट ईयर की जो लाइबिलिटी है उसकी डिडक्शन भी आप लेने की कोशिश करते हो बाय मेकिंग द प्रोविजन। अब एओ का दिमाग गर्म हो जाएगा ये देख के कि भाई ये करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का लाओ ना आप, ये कौन से पिछले साल का लेकर आते हो या सब्सिक्वेंट पीरियड का आज ही आप लेने चाहते हो? तो एसएससी क्या बोलेगा कि भाई मैं मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता हूँ और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करने के लिए जो बेस अमाउंट है वो तो मेरा अकाउंटिंग इनकम ही रहेगा और अकाउंटिंग इनकम के मुताबिक मुझे कंजर्वेटिज्म की इजाजत दी जाती है और उस कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस के हवाले से मैं ये प्रोविजन का डिडक्शन ले रहा हूँ। तो इसी वजह से एसएससी नाजायज फायदा ना उठाए, इस प्रोविजन के चक्कर में वो ज्यादा फायदा ना उठाए, इस वजह से एक डिसाइसिव टेस्ट ICDS-10 की तरफ से हमें मिलता है। और वो टेस्ट बताइए स्टूडेंट्स क्या है? प्रोविजन फॉर लायबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए वो दो टेस्ट कि आपको ये प्रोविजन फॉर लायबिलिटी का जिसका आपने डेबिट कर रखा है उसकी डिडक्शन हम दिलवा देंगे। अगर ये दो कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो वो दो कंडीशन है, पहला जो लायबिलिटी जिसकी डिडक्शन आप लेना चाहते हो प्रोविजन के जरिए, दैट लायबिलिटी शुड बी रीजनेबली बी सर्टन, वो लायबिलिटी सर्टन होनी चाहिए, प्लस प्लस व्हाट, इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, मतलब कि उसकी मेजरमेंट क्वांटिफिकेशन ये मुमकिन होनी चाहिए। अगर ये मुमकिन है देन दैट्स इट, डिडक्शन आपको मिल जाएगा। दैट इज योर जनरल चार्जिंग सेक्शन स्टूडेंट्स 28(1) का, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीट होता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि द हेड्स ऑफ इनकम में आपको स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन भी मिलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे अब ये जो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन जो PGBP के हेड में है वो इसको कंसिडर यहाँ पे करते हैं। 28(2)(e) स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको कॉम्पेंसेशन अगर मिलता है फॉर कैंसलेशन ऑफ एनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको उसके लिए कॉम्पेंसेशन मिलता है तो वो कॉम्पेंसेशन प्राइमरी आपका एक इनकम माना जाएगा विच विल बी चार्जेबल अंडर द हेड PGBP। मान के चलो कि मैं जाता हूँ मार्केट में और मुझे प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए मैंने L&T के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, टू परचेज द प्लांट एंड मशीनरी। मैंने कुछ एडवांस भी दिए थे L&T को, अनफॉर्चुनेटली L&T वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और L&T ने ही वो ऑर्डर को कैंसिल किया है। तो फिर L&T ने क्या किया, मुझको एक बड़ा कॉम्पेंसेशन का अमाउंट दिया क्योंकि मुझे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा बाय एंटरिंग इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट विद द L&T जो कि कभी भी एग्जीक्यूट होना ही नहीं था। तो इसी वजह से L&T का जो कॉम्पेंसेशन मुझे मिला है, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये कॉम्पेंसेशन है तो कैपिटल रिसीट, मानते हो ना, क्योंकि मैंने प्लांट एंड मशीनरी को प्रोक्योर करने के लिए क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो मेरे लिए तो ये कैपिटल आइटम है। और क्योंकि मेरे लिए कैपिटल आइटम है इस वजह से क्या, ये जो मुझे कॉम्पेंसेशन जो मिल रहा है इस कैपिटल आइटम पे, ये कॉम्पेंसेशन अपने आप में कैपिटल रिसीट मानी जाएगी। लेकिन
यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज उसका बना लिया है, स्पेसिफिक चार्ज उसका बना लिया है, और बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक चार्ज ये जो कैपिटल रिसीट है ये क्या टैक्स किया जा सकता है? द आंसर इज यस। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसी यहाँ पे 28(2)(e) में क्या लिखा है, कॉम्पेंसेशन आगे प्लस टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन प्लस ऑफ एनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, एनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन की वजह से। क्या टर्मिनेट और क्या मॉडिफाई किया है आपने? एनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। तो एनी में आप मुझे बताइए, जो मैंने एलएनटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या उसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। तो इस वजह से उस पे जो कॉम्पेंसेशन जो मुझे प्राप्ति हो रही है, वो कॉम्पेंसेशन का के वो कॉम्पेंसेशन का चार्ज होगा अंडर सेक्शन 28(2)(e), इट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। 28(3)(a) से लेके 3(e), यही बात होती है स्टूडेंट्स। ये है आपका स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट इंसेंटिव को लेके, एक्सपोर्ट इंसेंटिव को लेके। तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या ये पीजीबीपी के हेड में चार्ज की जाएंगी? बिल्कुल की जाएंगी। क्या है एग्जांपल एक्सपोर्ट इंसेंटिव के? तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ये एफटीपी में आपने पढ़ा होगा, या फिर ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक। ये कुछ एग्जांपल नजराने के रूप में आपके सामने पेश की गई है स्टूडेंट्स। अब इसी सेक्शनों के साथ साथ आपका है 145(b), यहीं पर धोखा खाते हो भाई। फाइनेंस एक्ट 2018 का ये सब अमेंडमेंट है, और बेवकूफ बनाने के लिए आईसीएआर ने कुछ भी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा था इन मई 19 और नवंबर 19 के अटेम्प्ट में। क्यों? क्योंकि उनकी नजर थी किस अटेम्प्ट पे, मई 20 पे। तो स्टूडेंट्स अब टाइम आ चुका है, आप लोग रेडी हो जाना। 145(b) आपके तरफ से अल्टीमेटली आपके अटेम्प्ट के लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन को पूछा जाएगा। ये स्टूडेंट सेक्शन लाने का रीजन था, ऐसे तो इसमें एक दो और पॉइंट्स हैं, लेकिन इस सेक्शन को लाने का रीजन था द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उन्होंने क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार, कि ये जो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स या एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जो आपको मिलते हैं, वो इनकम उस साल मानी जाएगी जब आप क्या करोगे, जब आप उसको रियलाइज करोगे। तो जब आप उसको रियलाइज करोगे, मतलब जब आप उसको एक्चुअली उसको अल्टीमेटली इस्तेमाल करोगे, उसी साल इसकी इनकम ये क्या है, मानी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इन एक्सपोर्ट एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। गवर्नमेंट को लगा यार ये, जबकि ये बंदा क्या है, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर दोनों है, तो जब ये एक्सपोर्ट करता है तो ये इम्पोर्ट भी करने वाला है, और ये करता ही है। और जब आप इंपोर्ट करने वाले, तो आपको ये सारे जो रॉ मटेरियल जो आप इंपोर्ट करते हो, वो एज पर दी एफटीपी पॉलिसी आपको ये ड्यूटी फ्री या एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी के हिसाब से मिल जाएगी। ड्यूटी ड्यूटी फ्री या फिर कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी के हिसाब से आपको दे दी जाएगी। तो क्योंकि आपको ड्यूटी फ्री मिल रही है और मिलने वाली है, ये रीजनेबली क्या है, सर्टन है कि भाई आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ एक्सपोर्टर नहीं हो, आप एक्सपोर्ट के साथ साथ आप इंपोर्ट भी करते हो। तो क्या एक रीजनेबल अश्योरेंस है कि आप ये बेनिफिट को रियलाइज कर लोगे? एंड द आंसर इज यस। तो जब रीजनेबल अश्योरेंस है, तो फिर आप क्यों पोस्टपोन कर रहे हो रिकॉग्निशन को? तो जो रीजनेबल अश्योरेंस जब है कि आप ये जो बेनिफिट आपको दिया गया है उसको आप इस्तेमाल करोगे, उसको आप रियलाइज करोगे, तो फिर वेट करके कोई मतलब नहीं है। आपको उसी साल में, जिस साल आपको ये इंसेंटिव मिला है, उसी साल में प्राइमरी आपको इसको इनकम मानना होगा। इसको फाइनली इस्तेमाल आप अगले साल में कर सकते हो, अलग बात है, आपको लेकिन उसको इनकम मानना पड़ेगा ओनली इन द करंट ईयर, जिस साल आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिला है, बिकॉज देयर वाज अ रीजनेबल अश्योरेंस और सर्टेनिटी, सर्टेनिटी अबाउट व्हाट, अबाउट इट्स रियलाइजेशन। 28(4) में स्टूडेंट्स आप देखें, वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स और परक्विजिट। तो ये नॉन मॉनेटरी गिफ्ट इन काइंड, मैंने डीलर ने सेल्स टारगेट अचीव किया है, और उसको जिस कंपनी का सेल्स टारगेट उसने अचीव किया, उस कंपनी ने उसको दो टिकट सिंगापुर के दे दी, तो क्या ये बिजनेस इनकम में चार्ज किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। तो कितना चार्ज किया जाएगा? द वैल्यू ऑफ द टिकट, द वैल्यू ऑफ द टिकट। और ये कहाँ पे चार्ज किया जाएगा? 28(4) में, बिकॉज जो बेनिफिट मिला है वो मिला है आपको बाय बाय एक्सरसाइजिंग योर बिजनेस, और इसी वजह से
और इसी वजह से ये जो बेनिफिट है बीइंग अ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, इसकी चार्जेबिलिटी होगी अंडर सेक्शन 28(4). 28(5) है ये आपको पता ही है, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट वाला पॉइंट है ये। सो देयरफॉर दिस 28(5) है इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। 28(6) है स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी क्रिटिकल है, वैसे तो FA-18 का है लेकिन नहीं पूछा गया है एग्जामिनेशन में इसके लिए। कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इंटू अ कैपिटल एसेट, इस पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री की कन्वर्जन हुई है इंटू अ कैपिटल एसेट तो वो कन्वर्जन पे स्पेसिफिक चार्जबिलिटी है 28(6A) की, वो कन्वर्जन पे स्पेसिफिक चार्ज है 28(6A) की। इस पे बस एक दो पॉइंट बता दूं आपको, देखिए कैपिटल गेंस में जो 45(2) है वहाँ पे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इंटू स्टॉक एंड ट्रेड इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 45, ट्रांसफर अंडर सेक्शन 247। और लेकिन भले ही वो ट्रांसफर उसे माना गया है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इंटू स्टॉक एंड ट्रेड को ट्रांसफर माना गया है, लेकिन उसकी जो चार्जिबिलिटी होती है, किस साल चार्ज करोगे उस कैपिटल गेंस के ट्रांसफर को, किस साल चार्ज करोगे, जिस साल स्टॉक एंड ट्रेड एक्चुअली सोल्ड हुआ है। सो द ईयर इन विच द स्टॉक एंड ट्रेड इज एक्चुअली सोल्ड विल बी द ईयर ऑफ द चार्जिबिलिटी एंड नॉट द ईयर ऑफ कन्वर्जन, इजंट इट। ये कैपिटल गेंस का नियम है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इट इज द ईयर इन विच द इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इन टू अ कैपिटल एसेट, द ईयर इन विच इट द इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इन टू अ कैपिटल एसेट दैट वुड बी द ईयर ऑफ द चार्जिबिलिटी, वो साल होगा स्टूडेंट्स द ईयर ऑफ चार्जिबिलिटी एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, दैट विल बी द ईयर ऑफ चार्जिबिलिटी। अब आइएगा स्टूडेंट्स, अच्छा तो ये एक ये वाला स्पेसिफिक चार्ज को भी ध्यान रखना है आपने, और एक ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो जो इन्वेंट्री है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ कैपिटल एसेट, ये भी आप लोग ध्यान रख के चलना कि जो इन्वेंट्री है ना वो जब कन्वर्ट करोगे तो दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ कैपिटल एसेट। ऐसा ना हो कि मेरे पास मोटर कार थी और मोटर कार की शोरूम थी, मैं अपना बिजनेस बंद करने वाला हूँ, एक कार बच गई थी तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई ये मेरे इस्तेमाल के लिए भी तो मुझे गाड़ी चाहिए तो ठीक है मैं ये इन्वेंट्री जो है वो मैं अपने इस्तेमाल के लिए ले लेता हूँ। अब बताइए क्या होगा, ये इन्वेंट्री को कन्वर्ट किया है लेकिन एज वॉट, एज अ पर्सनल इफेक्ट, और ये मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है इजंट इट, और क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट है देयरफॉर इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट, और अगर इसे कैपिटल एसेट नहीं माना जा सकता है तो फिर आप पे 28(6A) की चार्जिबिलिटी भी नहीं बनेगी, 28(6A) की भी चार्जिबिलिटी नहीं बनेगी। सो इफ इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू अ कैपिटल एसेट देन इट आल्सो विल नॉट बी चार्जेबल, कीप दैट पॉइंट इन माइंड। उसके बाद स्टूडेंट जो स्पेशल चार्ज में और एक सेक्शन यहाँ पे करना जरूरी है और वो है सेक्शन स्टूडेंट 41(1) का, 41(1) का है ये सेक्शन, और ये सेक्शन आपको पता होगा डीम्ड इनकम का है। सो दिस सेक्शन इज अबाउट द डीम्ड इनकम चार्जिबिलिटी, उसकी चार्जिबिलिटी 41(1) के लिए दो कंडीशंस है, देर आर टू कंडीशन दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है, मैंने रेगुलर बैच में भी आपको करवाया था, कैप्सूल में भी ये चार्ट को मैंने रखे थे, तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट विच आई हैव मेड। तो इसमें दो कंडीशन है, पहला कंडीशन आपको पता है कि डिडक्शन आपको उस एक्सपेंडिचर का या उस लॉस का या उस ट्रेडिंग लायबिलिटी का पहले कभी आपको मिला होना चाहिए। सो इन वन ऑफ द अर्लियर ईयर्स द एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन अलाउड टू यू एज अ डिडक्शन, तो वो एक्सपेंडिचर का पहले कभी आपको डिडक्शन उसका मिला होना चाहिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर बोलो लॉस बोलो या ट्रेडिंग लायबिलिटी। फिर बाद में कंडीशन टू सब्सिक्वेंटली बताइए क्या हुआ होगा, दो में से कोई भी एक, वो दो में से कोई भी एक का मतलब क्या है, या तो रिकवरी हो गई है, रिकवरी ऑफ द अमाउंट, देयर इज आइदर द रिकवरी ऑफ व्हाट ऑफ द अमाउंट, या तो रिकवरी हो चुकी है तो चार्ज अंडर सेक्शन 41(1) इज अट्रैक्टेड इवन दो द लायबिलिटी वुड नॉट हैव सीज टू एग्जिस्ट। यहां पे पॉलीफ्लेक्स इंडिया का एक जजमेंट मैंने करवाया था आप लोगों को, क्या हुआ था उसमें कि एक्साइज ड्यूटी को पे करके एसएससी ने क्या किया, अपील फाइल की थी, एक्साइज ड्यूटी को पे करके एसएससी ने अपील फाइल की थी। एक्साइज ड्यूटी जब उसने पे किया था, अलग बात है कि वो अपील में गया, लेकिन जब उसने पे किया था तो उसने पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन ले लिया था 43B के हवाले से, जो ये डिडक्शन आपको दिलवाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पेमेंट। सो द एसएससी टुक द डिडक्शन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ द एक्साइज ड्यूटी, एसएससी टुक द डिडक्शन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ द एक्साइज ड्यूटी। तो चलो डिडक्शन तो आपने ले लिया,
ये पहला पॉइंट है। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या हुआ था कि जो अपील में एसएससी केस हार गया, अपील में ट्राइब्यूनल में जब अपील में था एसएससी केस हार गया था, ट्राइब्यूनल में केस हारने की वजह से, सॉरी ट्राइब्यूनल में केस जो था वहां पे एसएससी की जीत हुई, हारा नहीं जीता। तो जीतने के वजह से क्या हुआ कि ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ गया कि एसएससी के पक्ष में केस जा रहा है। तो हुआ क्या, डिपार्टमेंट जिसने एसएससी से एक्साइज ड्यूटी रिकवर कर ली थी, अब वो डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ रहा है, रिफंड करना पड़ रहा है। देयर फॉर द डिपार्टमेंट हैज़ टू रिफंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो चलिए रिफंड भी उन्होंने कर दिया, ठीक है। अब रिफंड करने के बाद लेकिन डिपार्टमेंट ने आगे अपील की, एक्साइज डिपार्टमेंट ने यही ट्राइब्यूनल का जजमेंट को आगे अपील किया, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रिफंड जो एसएससी को मिला है फ्रॉम द एक्साइज डिपार्टमेंट, क्या उसे हम डीम्ड इनकम 41(1) का मान सकते हैं? लेकिन एसएससी को तो काफ़ी नाराजगी महसूस होगी। एसएससी ये बोलेगा भाई थोड़ा इंतज़ार कर लो, अभी कहाँ लायबिलिटी मेरी ख़त्म हुई है, कल अगर मैं हाईकोर्ट में हार गया तो तब तो ये पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। लेकिन बात ये नहीं है कि कल क्या होगा, बात ये है कि क्या वो पैसे जिसका पहले आपको डिडक्शन मिल चुका था, क्या वो पैसे आपके पास फिर से पहुंच चुके हैं? एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल पहुंच चुके हैं। तो क्योंकि रिकवरी हो चुकी है, विच इज वन मोर कंडीशन, कंडीशन नंबर टू जो मैंने बताया, विच इज ऑल्सो अ कंडीशन, इस वजह से क्योंकि रिकवरी हो चुकी है देयर फोर दिस विल बी कंसिडर एज वॉट, दिस विल बी कंसिडर एज द इनकम। भले ही क्या, भले ही लायबिलिटी अभी भी खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से आगे चैलेंज किया गया है, लेकिन रिकवरी अगर हो गई है तो इस वजह से 41(1) का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाता है। सो रिकवरी ऑफ द अमाउंट स्टूडेंट, या तो ये हुआ होगा या फिर और मैं लिख रहा हूं और व्हाट, और रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी का मतलब क्या है, मैंने वो एक तरीके से अब लाइबिलिटी है सीज टू एग्जिस्ट, जो लाइबिलिटी है दैट हैज सीज टू एग्जिस्ट, अब वो लाइबिलिटी नहीं रहा। तो ये रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी वाली बात है। नाउ सिंस लाइबिलिटी हैज सीज टू एग्जिस्ट, लाइबिलिटी अब नहीं रहा, इसमें स्टूडेंट्स एक एक्सप्लेनेशन है 41(1) पे। याद करें क्या है वो एक्सप्लेनेशन, कि वो एक्सप्लेनेशन के जरिए एसएससी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, इतना इशारा काफी है। बताइए आंसर क्या है, वो एक्सप्लेनेशन के जरिए एसएससी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, 41(1) का एक्सप्लेनेशन है वो। और वो एक्सप्लेनेशन के जरिए क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वहां पे अगर उसने यूनिलैटरली क्या है अपने बुक्स में वो राइट ऑफ कर दिया है, इफ द एसएससी हैज डन अ यूनिलैटरल राइट ऑफ इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उस यूनिलैटरल राइट ऑफ को हम लोग मानेंगे क्या, दैट द लाइबिलिटी हैज सीज टू एग्जिस्ट। अगर एसएससी ने खुद से राइट ऑफ करके उस पर्टिकुलर अमाउंट को जगह दी है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, ये एसएससी का ये मान लिया जाएगा दैट द लाइबिलिटी हैज सीज टू एग्जिस्ट, ये मान लिया जाएगा दैट द लाइबिलिटी हैज सीज टू एग्जिस्ट। तो यहां पे स्टूडेंट्स रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी में देखो क्या लिखा है, वेदर क्रेडिटर हैज गिवन ए रेमिशन, क्या क्रेडिटर की तरफ से माफी है, अगर है जो नॉर्मल केस अगर होगा तब तो लाइबिलिटी हैज सीज टू एग्जिस्ट, मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं है, क्रेडिटर की तरफ से माफी नहीं मिली है, तो फिर क्वेश्चन पूछना है आपने, वेदर द एसएससी हिमसेल्फ हैज रिटन ऑफ द क्रेडिटर्स अकाउंट इन द बुक्स यूनिलैटरली, जो मैंने आपको इशारा दिया था पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला। आप बोलते हो कि हाँ हाँ एसएससी ने क्या है, एसएससी ने यूनिलैटरली उसे राइट ऑफ कर दिया है, तो जाओ जब डूबने का इतना शौक है तो रोक कौन सकता है तुम्हें। तो यस है, तो 41(1) का ये क्या है, चार्ज बन जाएगा, लाइबिलिटी डीम्ड टू हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट, ठीक है। तो लाइबिलिटी मान लिया जाएगा कि खत्म हो चुकी है अगर एसएससी ने खुद से यूनिलैटरल राइट ऑफ किया है। लेकिन लेकिन अगर ना तो क्रेडिटर से माफी मिली है मुझे, ना ही एसएससी ने खुद से क्या है वो यूनिलैटरल राइट ऑफ किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ना तो क्रेडिटर से माफी मिली है, ना ही एसएससी ने उसको खुद से क्या है उसने इसको राइट ऑफ लिया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसने कोई राइट ऑफ किया नहीं है और ना ही अभी तक क्रिएटर ने अपना क्लेम छोड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि 41(1) क्या एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो,
भले ही आप ये इल्ज़ाम लगा लो कि भाई लेकिन लायबिलिटी तो बहुत पुरानी हो चुकी है, ये इल्ज़ाम लगा सकते हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉ में जो कंडीशन है जिसके बेसिस पे 41(1) की इनकम मानी जाती है, वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुए, वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुए, तो भले ही वो कितनी भी पुरानी लायबिलिटी क्यों ना हो, उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द इनकम। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? अब आ जाइए स्टूडेंट, सबसे बड़ा सेक्शन पीजीपी का यही है, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में स्टूडेंट खास बात यह है कि इसमें से कुछ भी आ सकता है, मतलब कि कोई भी कोने में से ये क्वेश्चन पूछते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एसीआई का। आपको आइडेंटिफाई करना है एग्जामिनेशन में कि भाई वो किस ट्रैकिंग से वो क्वेश्चन डाल रहे हैं। दैट इज वॉट यू ऑल हैव टू आइडेंटिफाई इन द एग्जामिनेशन। चलिए देखते हैं क्या बेसिस। मैंने देखो इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है बेसिस, दूसरा है एलिजिबल एसेट्स एंड रेट्स, तीसरा है कंडीशंस, चौथा है कंसेप्ट ऑफ WDV एंड फाइनली पॉइंट नंबर 5 है मिसलेनियस। तो ये 5 पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला गया है। बेसिस में चालू करते हैं। फर्स्ट वन है SLM स्कीम। ये जो स्कीम है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शनल स्कीम है, सो ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। SLM में आपको पता ही होगा कि ये स्कीम किसको मिलती है, किसको मिलती है स्कीम, पावर जनरेटिंग या फिर पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट। तो स्कीम इज अवेलेबल टू पावर जनरेटिंग और पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट, उनको अपने एलिजिबल प्लांट को लेके ये स्कीम के तहत क्या होगा, दे कैन क्लेम ऑन द इंडिविजुअल एसेट्स, दे कैन क्लेम ऑन द इंडिविजुअल एसेट्स द डेप्रिसिएशन। तो उनको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देयर आर टू कंसेप्ट जो कि इसी से जुड़ा है आपका SLM वाले कैटेगरी से, और वो दो कंसेप्ट क्या है। पहला है एक तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन का, और दूसरा है बैलेंसिंग चार्ज का। टर्मिनल डेप्रिसिएशन का सेक्शन क्या लिखवाया गया आपको, 32(1)(3) एंड द बैलेंसिंग चार्ज का सेक्शन है 41(2). सो दीज आर द टू सेक्शंस व्हिच आई हैव कोटेड ओवर हियर। अब यहाँ पे ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बेसिस में यहाँ पे स्टूडेंट्स 32(1)(3), बैलेंसिंग चार्ज 41(2), ये यहाँ पर है। तो इसके आगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्लांट में, एक मैंने छोटा केस स्टडी आपको दिया है, ध्यान से देखना इस केस स्टडी को। प्लांट ओरिजिनल कॉस्ट देखिए कितना है इसका, 100। प्लांट ओरिजिनल कॉस्ट कितना है इसका, 100। अच्छा, अब मैंने आपको एक WDV बताई है, 2 साल के बाद उसकी WDV मान के चलो 70 हो गई है, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर सेलिंग प्राइस 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 60, 85 एंड 110। तो जब सेलिंग प्राइस 60 है जबकि उसकी WDV कितनी है, 70, तो डेफिसिट है उसका, बिल्कुल है। कितना है, 10 का डेफिसिट। तो वो डेफिसिट की डिडक्शन आपको स्पेसिफिकली दी जा रही है किस रूप में, एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। आपको स्पेसिफिकली दी जा रही है किस रूप में, एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(3). तो 32(1)(3) के रूप में स्टूडेंट्स आपको ये रिडक्शन दिया जा रहा है। सो दैट इज हाउ दे आर कंसिडरिंग इन दिस रिगार्ड। तो दिस इज योर सेलिंग प्राइस का डिडक्शन है, सेलिंग जो टर्मिनल डेप्रिसिएशन है। तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन कब होगा, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द एलिजिबल प्लांट इज लेस देन व्हाट, लेस देन द WDV। तो 10 रुपए का मेरा बन जाएगा यहाँ पे टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आप 10 रुपए का जो बनेगा फाइनली, ये होगा आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अब आप देखो कितना है पॉइंट नंबर बी, 85। तो सरप्लस कितना हुआ स्टूडेंट्स, कितना हुआ है सरप्लस, 15 का सरप्लस है। 15 का हो रहा है, WDV से कंपेयर करो आप, 15 का सरप्लस है। तो जब 15 का सरप्लस है आपका, आप मुझे बताओ कि आपका डिडक्शन कितना बना था। हाउ मच वॉज द डिडक्शन दैट यू हैव टेकन अंडर द हेड PGBP इन द अर्लियर ईयर। अर्लियर ईयर में कितना डिडक्शन आपने PGBP में ले लिया था, जल्दी बताओ। 30 का, बिल्कुल सही जा रहे हो स्टूडेंट्स आप। 30 का डिडक्शन लिया था, 100 की कॉस्ट थी, अब WDV आपकी 70 हो गई है, इसका मतलब 30 का आपने डेप्रिसिएशन के रूप में PGBP के हेड में डिडक्शन ले लिया था, ठीक है। अच्छा, 30 का डिडक्शन है जबकि सरप्लस कितना है अभी आपका, 15। सो देयरफॉर सरप्लस टू द एक्सटेंट ऑफ द डिडक्शन क्लेम्ड अंडर विच हेड, अंडर द हेड PGBP, उतने तक का सरप्लस की चार्जेबिलिटी मानी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ बैलेंसिंग चार्ज। उतने तक का सरप्लस की चार्जेबिलिटी मानी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द बैलेंसिंग चार्ज। तो ये होगा 85 में से 15 का माना जाएगा एज द बैलेंसिंग चार्ज।
तो 15 आपका बैलेंसिंग चार्ज है, दैट एग्जैक्टली हाउ इट वुड बी। 110 में आप क्या कहोगे अब आप? तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, 110 में आप बताओ कितना सरप्लस है आपका? 40 का। 70 में से 110 को कंपेयर करो तो 40 का सरप्लस है। तो इस 40 के सरप्लस में आप 30 रुपये का डिडक्शन पहले क्लेम कर चुके थे। सो सरप्लस टू द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन अर्लियर क्लेम्ड, सरप्लस टू द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन अर्लियर क्लेम्ड, तो कितने का डिडक्शन आपने पहले क्लेम कर लिया है? 30 का। तो उतने तक का सरप्लस को बोलो क्या बोला जाएगा? एज अ बैलेंसिंग चार्ज। तो ये बैलेंसिंग चार्ज में टैक्स की जाएगी अंडर द एक्ट PGBP। और फिर ओवर एंड अबव बताओ कितना बचा है? ओवर एंड अबव दैट 10 का फिगर है, उसकी चार्जेबिलिटी किस हेड में चली जाएगी? कैपिटल गेन्स। उसकी चार्जेबिलिटी किस हेड में चली जाएगी? कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां पे आइएगा ब्लॉक स्कीम में। ब्लॉक स्कीम में 3212 है, उसी ब्लॉक स्कीम्स के साथ जुड़ा हुआ है, बताओ क्या? एडिशनल डेप्रिसिएशन। और एडिशनल डेप्रिसिएशन बताओ कहां पर है? 3212A में। तो ब्लॉक स्कीम 3212 उसी ब्लॉक स्कीम के साथ जुड़ा हुआ है आपका, दी एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 3212A। मतलब कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि SLM स्कीम वासियों को, जो SLM स्कीम में है उनको आप एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देते हो। यू डोंट गिव द एडिशनल डेप्रिसिएशन टू दोज हु आर इन द SLM स्कीम। तो ब्लॉक स्कीम है 3212। अब यहां पे स्टूडेंट नोटिस करना, एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें देना है। तो इसी एडिशनल डेप्रिसिएशन इसी कॉन्टेक्स्ट में दिया जाएगा, ठीक है? उसके लेकिन अपने अलग कंडीशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन के अपने अलग कंडीशन है, अगर वो फुलफिल होंगे तब जाके ही एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्लेम बनेगा। उसके पहले हम लोग एक ब्लॉक का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये ब्लॉक का फॉर्मेट है स्टूडेंट, WDV एज पर ब्लॉक 436 क्लॉज नंबर सी, 436 क्लॉज नंबर सी, ये ब्लॉक का फॉर्मेट है। और ये फॉर्मेट के मुताबिक आप ब्लॉक स्कीम में अपनी डेप्रिसिएशन अवेल करते हो। आप इस फॉर्मेट के मुताबिक ब्लॉक स्कीम में अपनी डेप्रिसिएशन अवेल करते हो। तो मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक है जिसका, मान के चले जो भी होगा प्लांट ही मान के चलो, तो एक ब्लॉक किसी का लेते हैं। तो ओपनिंग WDV है 1 अप्रैल 2019, ओपनिंग WDV मान के लो कि 2 यूनिट है, कितना अमाउंट मैं लिख रहा हूँ? 5 लाख का। 30 जून 2019, ये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एडिशंस हैज बीन मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या हुआ है? एडिशंस हुए ड्यूरिंग द ईयर, 1 यूनिट है और उसकी अमाउंट जो है वो ₹1 लाख है, उसकी अमाउंट जो होगी वो है ₹1 लाख। तो 30 जून 2019 को एडिशंस हुए हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट पे क्या होगा? ये एडिशंस होगा, तो ये जो एडिशंस हुए हैं दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, 1 लाख का। और फिर 31/12/2019 को मनी पेएबल, देखिए मैंने वर्ड यूज क्या किया है, मनी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट विच इज सोल्ड, ट्रांसफर्ड, डिस्कार्डेड, डिस्ट्रॉयड, स्क्रैप्ड एक्सेट्रा, ठीक है? वो मनी पेबल, एक्चुअली पेबल का मतलब ये नहीं कि आपका एसेट भी चला गया और आपको उसके पैसे भी देने पड़े, आप कोई पैसे नहीं दे रहे हो भाई, जो जो पैसा आपको देगा बायर उसके एंगल से वर्ड यूज किया गया पेबल। तो हु इज गोइंग टू पे? दी बायर से अगर आपने बेचा है। तो उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपको आपके प्लांट के इंश्योरेंस आपके प्लांट पे थी और अब डैमेज या डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या है कॉम्पेंसेशन दे रही है, तो वो बन जाएगा मनी पेबल, पेबल बाहू बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, ट्रांसफर, डिस्कार्डेड, डिस्ट्रॉयड, स्क्रैप, वो रिड्यूस करोगे ब्लॉक से। ये मैं नहीं कह रहा, ये फॉर्मेट कह रहा है 436 क्लॉज सी का, जो कि ब्लॉक का फॉर्मेट आपको देता है। 31 मार्च 2020, ये आपका क्लोजिंग WDV बिफोर डिप्रिसिएशन है। ये देखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, दो चीजें देखना जरूरी है बिफोर यू एक्चुअली क्लेम द डिप्रिसिएशन, दो चीजें देखना जरूरी है। पहला, क्या ब्लॉक जिंदा है? ब्लॉक का जिंदा का मतलब क्या होगा कि क्या अभी भी कोई एसेट है, वेदर देयर एग्जिस्ट एनी एसेट व्हिच इज देयर इन द ब्लॉक, कोई अभी भी एसेट है ब्लॉक के अंदर? एंड द आंसर इज यस। 2 यूनिट थे आपके पास शुरुआती ओपनिंग में, फिर एडिशंस और उसके बाद आपने ट्रांसफर किया, तो उससे अभी भी आपका एसेट बचा हुआ है। कितने एसेट है? 2 एसेट है।
अच्छा, क्या उस ब्लॉक की कोई पॉजिटिव वैल्यू अभी भी है? इज देर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द ब्लॉक? यस, OPWDV 5 लाख का था, फिर एडिशंस का 1 लाख 6 लाख हो गए, फिर उसमें से आपने माइनस किया है 75,000, तो फिर अगर आप देखोगे 5,25,000 आपका क्या हो जाएगा 31 मार्च 2020 का, तो 5,25,000 आपका क्या हो जाएगा द क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन। मतलब कि ब्लॉक जिंदा है और दूसरा ब्लॉक का अपना पॉजिटिव वैल्यू है अभी भी, WDV एग्जिस्ट। तो ये दोनों कंडीशन काफी होते हैं स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए 31 मार्च 2020 को क्या किया गया है, डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू द SSE 1 लाख का, मैंने ऐसे ही रैंडम नंबर लिया। तो आप डेप्रिसिएशन जब 31 मार्च को दोगे तो पहले ये पता लगा लेना 31 मार्च को कि क्या ब्लॉक एग्जिस्ट करता है और क्या उसकी अभी भी WDV बची हुई है। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो डेप्रिसिएशन का क्लेम आप ले सकते हो। सो डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू द SSE 1 लाख का मैंने रिड्यूस करके ओपनिंग WDV अगले साल का तैयार किया है। अब ये जो देख रहे हो 31 इस दिसंबर को जो मनी पेबल है उस पे एक इश्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। अगर मान के चलो कि कोई एक एसेट है जो डिमोलिश हो गया है, डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसका कोई भी इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन आपको नहीं मिला, उस पे इंश्योरेंस था ही नहीं, तो बताइए क्या उस एसेट पे डेप्रिसिएशन आपको मिल सकता है? वेदर द SSE बी एलिजिबल टू क्लेम द डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एसेट? एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, एसेट डिमोलिश बट नो इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड, देन दी एसेट शैल कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ द ब्लॉक एंड शैल क्वालिफाई फॉर डेप्रिसिएशन। अब बोलो सर हुआ कैसे, ये कैसे ये ब्लॉक का हिस्सा है? ब्लॉक से एसेट तभी बाहर फेंके जाएंगे जब उस पर्टिकुलर एसेट के आपको पैसे मिले हो, उस एसेट के आपको पैसे मिले हो तब जाके ही वो एसेट ब्लॉक के बाहर से निकलेगा, ठीक है? तो देखिए क्या कोई पैसे मिले थे? एंड द आंसर इज नो। सो एसेट डिमोलिश बट नो इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन इज रिसीव, देन दी एसेट शैल कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ दी ब्लॉक एंड शैल क्वालिफाई फॉर डेप्रिसिएशन। क्या आगे लिखा है, द सिंगल एसेट यूज टेस्ट इज रेलेवेंट ओनली इन द केस ऑफ न्यूली एक्वायर्ड एसेट। जो आप बोलोगे चलो ठीक है, आप कहते हो कि एसेट ब्लॉक के अंदर अभी भी है क्योंकि उसके कोई पैसे नहीं मिले थे, इस वजह से आपने उसको बाहर नहीं निकाला था, लेकिन सर हमारा मन फिर भी नहीं मान रहा उसको डेप्रिसिएशन देने का, क्योंकि क्योंकि क्या, क्योंकि जो कंडीशन है दैट द एसेट शुड बी इन यूज वो तो सेटिस्फाई हो नहीं रहा, क्योंकि ये तो एसेट अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिमोलिश हो चुका है, सो द एसेट इज नो लॉन्गर इन यूज। तो उसका जवाबी रिप्लाई ये है कि जो सिंगल एसेट का जो यूज टेस्ट जो आप मुझे बता रहे हो अभी, ये किसके लिए अप्लाई किया जाता है? सिंगल एसेट यूज टेस्ट किसके लिए अप्लाई किया जाता है? ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ अ न्यूली एक्वायर्ड एसेट। ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? न्यूली एक्वायर्ड एसेट। देखिए क्या लिखा है, द सिंगल एसेट यूज टेस्ट इज रेलेवेंट ओनली इन द केस ऑफ अ न्यूली एक्वायर्ड एसेट। सच एसेट शैल नॉट क्वालिफाई अनलेस अनलेस व्हाट? इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ब्लॉक एंड इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द ब्लॉक ओनली आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज। तो द सिंगल एसेट यूज टेस्ट इज रेलेवेंट ओनली इन द केस ऑफ न्यूली एक्वायर्ड एसेट, क्योंकि न्यू सच एसेट का मतलब, ये जो सच एसेट है इसका मतलब क्या, न्यूली एक्वायर्ड एसेट। सो न्यूली एक्वायर्ड एसेट शैल नॉट क्वालिफाई अनलेस इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ब्लॉक। कोई भी नया एसेट पे डेप्रिसिएशन की एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी जब तक क्या, जब तक वो ब्लॉक का हिस्सा ना हो बना हो, और वो ब्लॉक का हिस्सा तभी बनेगा जब वो पुट उस पे उस एसेट का आपने क्या किया है, पुट टू यूज किया है। सो सच एसेट शैल नॉट क्वालिफाई अनलेस इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ब्लॉक एंड इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द ब्लॉक ओनली आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज। हाउएवर वंस द एसेट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ब्लॉक इट इज द ब्लॉक एज अ होल दैट शुड बी इन यूज। तो एक बार एसेट ब्लॉक का हिस्सा हो जाए तो सिंगल एसेट यूज टेस्ट हम नहीं देखते, फिर क्या देखना है हमें, वेदर द ब्लॉक एज अ होल वेदर दैट इज इन यूज और नॉट। देयरफॉर इवन इफ सम एसेट इन द ब्लॉक आर नॉट इन यूज बट द ब्लॉक एज अ होल इज इन यूज, द डेप्रिसिएशन ऑन द WDV ऑफ द ब्लॉक शैल बी अवेलेबल, ऑन द WDV ऑफ द ब्लॉक शैल बी अवेलेबल। तो इस पे डेप्रिसिएशन क्या मिल जाएगी? एंड द आंसर इज यस।
तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स जो कि आप लोग को ध्यान रखना है इस कॉन्टेक्स्ट में। फाइन, चलिए अब जो सेकेंड पर्टिकुलर पॉइंट पर आते हैं हम लोग, बेसिस में मेरा ये करवा रहे एलिजिबल एसेट्स एंड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ये आपका दूसरा सेगमेंट है डिस्कशन का। अब एलिजिबल एसेट्स में देखिएगा स्टूडेंट, टेंजिबल है इनटेंजिबल, ये पर्टिकुलर पॉइंट है। पहले तो टेंजिबल पे फोकस करना है, यहाँ पे क्या लिखा हो गया है, बिल्डिंग पे तीन रेट आपको पता है, 5% रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर उस पर अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो 5% है, कमर्शियल 10% और ये जो टेम्प्रेरी बिल्डिंग्स जो होती है उस पर 40%, फर्नीचर 10% है, प्लांट पे देखना स्टूडेंट ये 40% है, ये 40% किसका है, ठीक है। अच्छा, ये डॉटेड लाइंस के ऊपर वाला मत देखना, वो इंटेंजिबल्स के लिए मैंने लिख के रखा है, ठीक है। अभी आप लोग बस इस पे नजर रखना, 40% प्लांट पे किस वाले कैटेगरी पे 40% आपको मिल रहा है, तो वो आपका है एरोप्लेन्स, कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग एक्सेसरीज एंड पेरिफेरल्स बट एक्सक्लूडिंग राउटर्स एंड ईपीबीएक्स। तो उसके कंप्यूटर्स के एक्सेसरीज एंड पेरिफेरल्स तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन उस पे एक्सक्लूड क्या किया गया है, तो प्लांट जिसे नहीं माना जाता है एट 40%, जिसको 40% के रेट के लिए नहीं माना जाएगा, तो एक्सक्लूजन में है राउटर एंड ईपीबीएक्स। इसको 40% का रेट नहीं मिलता तो कितना रेट मिलेगा उसको, 15% का। ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद आगे बुक्स, एनर्जी सेविंग डिवाइस, विंडमिल प्लांट, ये सब पे 40% है स्टूडेंट्स, सब पे 40% होने का मतलब है ये एक ही ब्लॉक का हिस्सा बनेगा, क्योंकि सबके रेट कॉमन है और ये किस कैटेगरी में फॉल होते हैं, प्लांट के कैटेगरी में फॉल होते हैं विद द कॉमन रेट ऑफ 40%, तो ये सब का एक ही ब्लॉक आप बनाओगे। 15% पे जनरल प्लांट एंड मशीनरी मैंने लिखा हुआ है जिस पे 15% है, और फिर मोटर कार के कॉन्टेक्स्ट में याद रहे कि यहां पे दो डिस्टिंक्शन दे रहा हूं, यहां पे एक तो यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर और अदर्स, तो यहां पे आपको ये जो दो कंडीशन जो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स वो क्या है, वेदर अक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23rd August 2019 टू 31st March 2020, क्या वो उसे आपने इस पीरियड में अक्वायर किया था ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23rd August 2019 टू 31st March 2020, प्लस पुट टू यूज ऑन और बिफोर 31st March 2020, ये दोनों कंडीशन क्या आपने सेटिस्फाई किए हैं या नहीं, यस और नो। अब आप बोलोगे सर दो दो बार लिखे हो यस और नो, तो पहले मैं यस को लू मतलब कि हायर वालों के लिए लिखा है और फिर अदर्स वालों के लिए, मतलब इतना भी बेवकूफ मत समझिए सर, हम समझते हैं, चलो ठीक है बता दिया, अच्छी अच्छी बात है। तो यस में यहाँ पे 45%, नो में 30%, 30% तो ओल्ड रेट था ना हायर वालों के लिए, हु आर यूजिंग द मोटर कार और मोटर व्हीकल ऑन हायर, उनको तो 30% चल ही रहा था, isn't it? लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर किया है तो फिर 45% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जनरल कैटेगरी 15% की है, लेकिन अगर उन्होंने भी कंडीशन सेटिस्फाई किया है तो 30%। अब ये बैकग्राउंड अमेंडमेंट का सबको पता ही है, अब तो बच्चों बच्चों को बाय हार्ट हो चुका है ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट किए क्यों लाया गया था, किन हालात में रिसेशन ये था। लेकिन आप लोग स्टूडेंट्स एक चीज पे ध्यान देना एग्जामिनेशन कॉन्टेक्स्ट में, डेट्स पे जरा खासी नजर बना के चलना। देखिए, डेट जो है 23 अगस्त 2019 दिया है से लेके 31 मार्च 2020। अब कोई बताओ कि रिलायंस ने ही क्या है कार खरीद ली अपने कंपनी के लिए, तो अगर रिलायंस एक कंपनी कर कार खरीदती है, मोटर व्हीकल खरीदती है which is to be used for the purpose of their business, और उसने कुछ अक्टूबर नवंबर के आसपास उसने क्या है ये कार खरीदा, तो भले ही इनका जो रेट है ध्यान रखना शुरू यहाँ पे तो 30% का रेट है, क्योंकि ये तो रिलायंस की केस है, they are not in the business of running them on hire, तो 30% का रेट है, लेकिन क्योंकि द एसेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो ये हो जाएगा रेट उसका 15%। लेकिन प्लीज नोट करना, भले ये 15% है लेकिन इसका ब्लॉक अलग माना जाएगा, ये सेपरेट ब्लॉक बनाओगे आप 15% के जोश में आके आप उसको मोटर व्हीकल का जो ओल्ड वाला जो ब्लॉक है 15% का उसके साथ मर्ज नहीं करोगे, ये ब्लॉक अलग ब्लॉक है क्योंकि इसका रेट कितना है 30% है, तो ये अलग ब्लॉक है, इसकी अपनी रेट है और वो है 30%, तो ये 30% का अपना अलग कैटेगरी है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई
इस पे भले ही आप फर्स्ट ईयर में 15% का डेप्रिसिएशन दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये आप क्या करोगे, उस मोटर व्हीकल को आप ओल्ड मोटर व्हीकल के साथ जोड़ दोगे, उसी ब्लॉक में आप कंसिडर करोगे। नहीं, आपको अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो रेट है, जो ब्लॉक का रेट है इसका, वो 30% का है। अलग बात है कि फर्स्ट ईयर में आपको 15% देने पड़ रहे हैं, बिकॉज द एसेट वॉज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये इनटैंजिबल के कॉन्टेक्स्ट में देख लो स्टूडेंट्स, इनटैंजिबल में क्या लिखवाया गया है, नो हाउ लाइसेंस और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है, ये जो एनी अदर राइट ऑफ सिमिलर नेचर, ये बहुत क्रिटिकल फ्रेज है, जनरल फ्रेज है, और उससे आपके बहुत सारे चीजें अनफोल्ड हो जाती है। जैसे कि गुडविल अगर आपने एक्वायर किया है, ठीक है, बाय गिविंग अ परचेस कंसिडरेशन, जो आपने दिया है परचेस कंसिडरेशन वॉज ओवर एंड अबाउट द नेट एसेट एक्वायर्ड, तो जो डिफरेंस है उसको गुडविल बोलोगे। तो क्या अमालगमेटेड कंपनी को, बाइंग कंपनी को, जिसने परचेस कंसिडरेशन दिया है विच इज ओवर एंड अबाउट द नेट एसेट, क्या वो डिफरेंस विच इज कंसिडर्ड एज द एक्वायर्ड गुडविल, क्या उस पे उसे डेप्रिसिएशन मिल सकता है? एंड द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये जो गुडविल है इसे इनटैंजिबल एसेट माना जाएगा। सिमिलरली बीएससी मेंबरशिप कार्ड, ये भी पॉपुलर केस लॉ है, उसी कॉन्टेक्स्ट में बीएससी मेंबरशिप कार्ड, ये अपने आप में एक लाइसेंस है। हर लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर नहीं बन सकते, आप और मैं नहीं बन सकते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर, उसको बनने के लिए हमें मेंबर बनना पड़ेगा। तो मेंबर बन के ही ये कार्रवाई होगी, और मेंबर बनने के लिए 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो इसी वजह से ये अपने आप में एक लाइसेंस है, एक राइट देता है टू कैरी देयर स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस, और इसी वजह से जो भी पेमेंट उसने किया है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट, जिसपे आपको रेट तो पता ही है ना यहाँ पे। नहीं सर, लिखवाई दो। याददाश्त आजकल कमजोर हो गई है हमारी। 25%, ठीक है। चलिए अब आइए एडिशनल डिप्रेशन की तरफ। अब स्टूडेंट्स, इसको एडिशनल डिप्रेशन में किस तरीके से किया, डिस्क्वालिफिकेशन में देखिए। डिस्क्वालिफिकेशन में यहां पे इनएलिजिबल एसेट, डिस्क्वालिफिकेशन में 3 पॉइंट मैंने रखे हैं। इनएलिजिबल एसेट, वो कौन से एसेट हैं जो जिस पे एडिशनल डिप्रेशन नहीं लिया सकता। दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट है, ये किस जगह पे आपने इंस्टॉल करवाया है जिस वजह से आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का क्लेम नहीं मिल सकता। और तीसरा है वो बिजनेस या प्रोफेशन। तो ये 3 चीजें आप लोग ध्यान रखना है। तो इनएलिजिबल एसेट में देखना यहां पे ध्यान से, बिल्डिंग फर्नीचर को तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि जो एडिशनल डिप्रिसिएशन अगर मिलेगा तो वो मिलेगा ओनली फॉर दी प्लांट। जहां तक प्लांट की अगर हम बात करें तो उसमें ध्यान रखना स्टूडेंट्स, शिप, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, शिप, एयरक्राफ्ट एंड मोटर व्हीकल, ये प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया गया है। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड हैंड प्लांट और एनी एसेट हुज होल ऑफ द कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर। ठीक है, सेकेंड हैंड प्लांट और एनी एसेट हुज होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन, तो ये दोनों में से कोई भी एक, तो ये अलग है, ध्यान रखना। सेकेंड हैंड प्लांट ये अलग है। अच्छा, उसके नीचे मैंने लिखा है, किसके नीचे लिखा है, सेकेंड हैंड प्लांट के नीचे, या तो ये इम्पोर्टेड बोल दो या डोमेस्टिक आपने प्रोक्योर किया है लेकिन सेकेंड हैंड है, तो क्या ये एलिजिबल माना जाएगा? एंड आंसर इज नो। या फिर एनी एसेट हुज होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन, लाइक 35 AD में आपने उसकी डिडक्शन ले ली है, तो क्या आपको डिप्रिसिएशन का अलाउंस मिल सकता है? एंड आंसर इज नो। कंप्यूटर्स अदर देन दोज यूज्ड इन द फैक्ट्री, सिर्फ फैक्ट्री में अगर कंप्यूटर इस्तेमाल अगर आप करोगे तो ये एलिजिबल माना जाएगा, अदरवाइज ये इन एलिजिबल ही मान के आप चलें। तो दैट इज एज फार एज अ कंप्यूटर इज कंसर्न। प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन में ऑफिस प्रमाइसेस है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है, गेस्ट हाउस है, ये सब क्या है, इन एलिजिबल कैटेगरी है। फिर आपका है ये एलिजिबल बिजनेस या फिर प्रोफेशन, प्रोफेशन में तो आप उसको क्रॉस ही कर दे रहे हो। और फिर बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को छोड़ के, या ये एलिजिबल बिजनेस नहीं, इन एलिजिबल बिजनेस, ये इन एलिजिबल बिजनेस ला लो, इन एलिजिबल बिजनेस या प्रोफेशन। तो कौन सा इन एलिजिबल बिजनेस या प्रोफेशन होगा? ये तो प्रोफेशन तो सारे, जहां तक बिजनेस किसको लेकिन छोड़ के, मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस ऑफ जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसको छोड़ के, तो ये क्या होगा, ये आपका माना जाएगा एज एज व्हाट एज अ एज अ ये एलिजिबल है। ये ए और बी ही सिर्फ एलिजिबल है, बाकी कोई भी और बिजनेस हो
बाकी और कोई भी और बिजनेस हो ए और बी के अलावा, वो सब इनएलिजिबल है और इस वजह से एडिशनल डिप्रिसिएशन उनको नहीं दी जा सकती। रेट पे आ जाइए, क्या रेट है इनका? क्वेश्चन आपको पूछना है वेदर दी एलिजिबल एसएससी हैज सेट अप एन अंडरटेकिंग ऑन और आफ्टर कभी 1 अप्रैल 2015 इन नोटिफाइड रीजन। आपको पता ही है वो नोटिफाइड रीजन क्या है। प्लस प्लस व्हाट एसेट हैज बीन एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड बिटवीन, किस पीरियड में आपने एक्वायर इंस्टॉल करवाया है, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2020 तक। हमें तो जनरली करंट ईयर की चिंता करनी है, इजंट इट, कि करंट ईयर में अगर उसने अगर एक्वायर किया होगा एंड इंस्टॉल किया होगा तो फिर उसको मिल जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल है। लेकिन ध्यान रखना, अगर पिछले साल का डेटा अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि भाई पिछले साल उसने एक्वायर और इंस्टॉल किया था, लेकिन जो पीरियड था फॉर पुट टू यूज़ इन द प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर, तो वो था लेस देन 180 डेज, तो अगर लेस देन 180 डेज है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस 50% है, बैलेंस जो 50% है, क्या उसकी डिडक्शन आपको करंट ईयर में मिल जाएगी? एंड द आंसर इज यस, उसकी डिडक्शन स्टूडेंट्स आपको करंट ईयर में मिल जाएगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यस है स्टूडेंट्स, 35% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, 35% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट है, तो दिस इज द केस। अगर यस होगा तो ऊपर वाले कैटेगरी में, तो 35% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। अगर ये नो है, अगर ये नो है देन इन दिस केस इट इज 20%, अगर ये नो है देन इन दैट केस इट इज 20%, जो कि नॉर्मल एडिशनल डेप्रिसिएशन है। अच्छा, 35% पे मैंने एक एस्ट्रिक मारा हुआ है, देख रहे हो आप लोग, 35% के येस के बाजू में एक एस्ट्रिक है। क्यों? क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन के अलावा, एडिशनल डेप्रिसिएशन के अलावा इनको और एक चीज प्राप्त होती है, बताइए वो क्या है। बिल्कुल सही फरमाया स्टूडेंट्स आप लोगों ने, दैट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इनको इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी स्टूडेंट्स दिया जाता है और वो मिलता है उन्हें 32AD के जरिए। सो 32AD ऑल्सो अवेलेबल फॉर एलिजिबल प्लांट, कितना मिलता है? 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस है 32AD का। प्लीज डोंट मिस्टेक इट बाय एज एन डेप्रिसिएशन, ये चीजें दिमाग में बांध करके चलिएगा स्टूडेंट्स, ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने आप में एक तरीके से क्या हुआ, ये एक बिजनेस डिडक्शन है, बिजनेस डिडक्शन इसको माना जाएगा। तो दिस वुड बी रेफर्ड एज वॉट, एज अ बिजनेस डिडक्शन। प्लीज बेयर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन माइंड, दिस वुड बी रेफर्ड एज वॉट, बिजनेस डिडक्शन। सो 32AD ऑल्सो अवेलेबल फॉर एलिजिबल प्लांट, 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट है। लॉक इन पीरियड 5 साल का है फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, तो ये 5 साल का इसका लॉक इन पीरियड है, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टॉलेशन, ठीक है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या होगा, विद इन दैट 5 ईयर्स पीरियड उसने वो एसेट को बेच दिया, तो फिर उस हालात में डीम्ड इनकम मानी जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन टेकन अर्लियर इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट, टू द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन टेकन अर्लियर इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। तीसरा पॉइंट डेप्रिसिएशन का स्टूडेंट्स कंडीशन है, कंडीशन में ओनरशिप वाली पॉइंट और पुट टू यूज, पुट टू यूज में ऑलरेडी कवर्ड इन पॉइंट वन, तो ये तो ऑलरेडी कवर्ड अबव, सिंगल एसेट यूज टेस्ट और एक बार एसेट ब्लॉक का हिस्सा बन जाए तो क्या स्थिति होगी, ऑलरेडी कंसिडर्ड इन पॉइंट वन। ओनरशिप में ऐतिहासिक जजमेंट है मैसूर मिनरल्स लिमिटेड, नाउ एज फार एज द जजमेंट इज कंसर्न, मैसूर मिनरल्स लिमिटेड का स्टूडेंट्स, इन्होंने यहां पे टाइटल ओनरशिप क्या माना जाएगा एज द कंडीशन ऑफ ओनरशिप फॉर द क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या टाइटल ओनरशिप को ही तवज्जो दी जाएगी? एंड आंसर इज नो। यहां पे वही हालात हुए थे, टाइटल ओनर नहीं था, तो किस टाइप की ओनरशिप देखी जा रही है, लेट्स हैव अ लुक। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था स्टूडेंट्स, और ये काफी फ्रीक्वेंटली आता है एग्जामिनेशन में, तो ये केस लॉ के जरिए द पर्सन हु हैज अक्वायर्ड द पोजेशन ऑफ द एसेट, यहां पे बिल्डिंग था, इसमें बिल्डिंग के बजाय मैं एसेट ही लिख देता हूं, ये वाले केस में तो बिल्डिंग था, अक्वायर्ड the possession over the asset in his own right, अपने राइट के कॉन्टेक्स्ट में उसने वो एसेट को एक्वायर किया था, उसकी पोजीशन उसने एक्वायर की थी, उसके बाद यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन,
अक्वायर किया उसका पोजीशन और उसे इस्तेमाल कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन, दो द लीगल टाइटल हैज नॉट बिन कन्वेड टू हिम, अभी तक लीगल टाइटल अभी तक उसको कन्वे नहीं किया है, नेवर द लेस ही इज एंटाइटल्ड टू होल्ड द एसेट टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर पर्सन, नेवरदलेस ही इज एंटाइटल्ड टू होल्ड दी प्रॉपर्टी टू दी एक्सक्लूजन ऑफ द अदर पर्सन। अगर इस तरीके से अगर वो व्यक्ति उस एसेट पे कब्जा जमा के रखा है, मीनिंग देयर बाय एक्वायर्ड द पोजिशन यूजेस एंड ही इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी टू द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर पर्सन, तो भले ही लीगल टाइटल उसको नहीं मिला हो उस एसेट के कॉन्टेक्स्ट में, स्टिल ही इज द वन हु इज कंसिडर्ड टू बी द रियल ओनर। ये टेस्ट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि और हो सके तो जिस सेंटेंस तो एक ही है, मैंने इसको तोड़ा हुआ है इन फोर पॉइंट्स सो दैट आपकी ठीक से इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन बन सके एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इश्यूज पे जरा गौर करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हायर परचेज जैसे पता होना चाहिए आप लोग को, हायर परचेज में बताओ किसको मिलेगा डेप्रिसिएशन टू द हायर परचेजर, बिल्कुल सही। अब मैं वो डेप्थ में जाना नहीं चाहता लेकिन आपको पता है, लीज में भले ही वो फाइनेंस लीज हो स्टूडेंट्स या फिर ऑपरेटिंग लीज हो, एज फार एज अ लीज ट्रांजेक्शन इज कंसर्न, यहां पे लेसर को ही क्या है आप डेप्रिसिएशन दिलवाते हो, लेसर इज द वन हु इज एलिजिबल टू क्लेम द डेप्रिसिएशन, यहां पे लेसर को ही आप क्या है डेप्रिसिएशन का अलाउंस दिलवाते हो। लेकिन एक्सेप्शन है, एज पर द एक्सेप्शन लेसी को भी आप ये बेनिफिट दिलवा सकते हो। सो व्हाट इज द एक्सेप्शन, सो लेसी इज एलिजिबल टू क्लेम डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग नॉट ओन्ड बाय हिम। देखिए स्टूडेंट आपको तो पता ही होगा कि अधिकतर जो लैंड है वो लीज हो लैंड ही है, गवर्नमेंट फ्री हो लैंड बहुत कम रख देती है, और अगर लीज हो लैंड ही है तो सब लोग ही लेसी ही है एक तरीके से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लैंड पे ही तो बिल्डिंग बनी है। तो इसी वजह से अगर मैं लैंड ही लीज पे लिया है तो बिल्डिंग मैंने बना भी दिया है तब भी तो मुझे लेसी ही तो माना जाएगा। कल अगर लीज एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होता है, कल अगर लीज एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होता है तो क्या मैं ये बिल्डिंग अपने साथ लेके जा सकता हूँ, नहीं लेके जा सकते, एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। और इसी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि लेसी वो बिल्डिंग का जो है ही विल नॉट बी इन अ पोजिशन देन टू क्लेम द डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने बोला है इट इज अ लेसर हु विल बी द पर्सन हु शैल क्लेम द डेप्रिसिएशन। लेकिन ये भी तो कितनी बड़ी विडंबना होगी कि उस लैंड पे लेसी क्या कर रहा है, खर्चे इनकर कर रहा है ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो क्या उस लिहाज से क्या लॉ मेकर को दया नहीं आनी चाहिए थी उन पे, बिल्कुल आई है, उनकी कृपा दृष्टि पड़ी इन पे। और देखिए एक्सेप्शन आ चुका है स्टूडेंट्स, अभी का आ चुका नहीं है कि आप जोश में आ गए, ये पुराना अमेंडमेंट है। तो लेसी इज एलिजिबल टू क्लेम डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग नॉट ओन्ड बाय हिम, नॉट ओन्ड बाय हिम इफ द लेसी इनकर्स द एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर इन रिस्पेक्ट टू रिनोवेशन और एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेसी का वो एक्सपेंडिचर इनकर करना जरूरी है, तब जाके ही लेसी को हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दिलवाएंगे, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि आप लोग ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपका ओनरशिप की जो कंडीशन है जो कि डेप्रिसिएशन की डिडक्शन को गवर्न करता है वो आपको बताई गई है। नाउ ऑल ऑफ यू विल कम टू द कंसेप्ट ऑफ WDV 43(6) में, द कंसेप्ट ऑफ WDV 43(6) क्लॉज नंबर ए, न्यू अक्वायर्ड एसेट, या फिर ऐसा लिख दो न्यूली अक्वायर्ड एसेट, में लिखवा देता हूं इसको क्या बोला जाएगा न्यूली अक्वायर्ड एसेट। अगर कोई एक न्यूली अक्वायर्ड एसेट है तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में WDV क्या होगा द एक्चुअल कॉस्ट, WDV क्या होगा द एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज फॉर वॉट स्टूडेंट्स, न्यूली अक्वायर्ड एसेट का WDV हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो 43(6)(b) है, 43(6)(b) और इसमें एसेट प्रीवियसली अक्वायर्ड मतलब पुराना एसेट का WDV क्या होगा एक्चुअल कॉस्ट माइनस, देखिए इस पे डॉटेड एरो चला गया है, माइनस व्हाट द डेप्रिसिएशन व्हिच इज एक्चुअली अलाउड टू द SSC, डेप्रिसिएशन व्हिच इज एक्चुअली अलाउड टू द SSC वो माइनस होगा। लेकिन कुछ केसेस है एक्ट के अंदर
जहां पे डेप्रिसिएशन एसएससी को एक्चुअली तो अलाउ नहीं किया जा रहा है, लेकिन उस प्रोविजन के जरिए नोशनल डेप्रिसिएशन हमें रिड्यूस करना है टू डिटरमाइन द WDV, नोशनल डेप्रिसिएशन हमें रिड्यूस करना है टू डिटरमाइन द WDV। क्या कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे एक्चुअली तो एसएससी को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन नोशनल डेप्रिसिएशन हमें रिड्यूस करना पड़ेगा टू डिटरमाइन द WDV? तो तीन केसेस आपको दिए गए स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन नंबर 7 to 43(6), और वो किसके लिए है? फॉर टी कॉफी रबर कंपनी के लिए है। एक्सप्लेनेशन 7 to 43(6), दैट इज फॉर टी कॉफी एंड रबर कंपनी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे एक्सप्लेनेशन 5 to सेक्शन 43(1), ये भी आप लोग देख ले के चलना, ये किसके लिए मान जानते हो? बिल्डिंग विच वॉज प्रीवियसली यूज फॉर प्राइवेट पर्पज, सब्सिक्वेंटली उस बिल्डिंग को आप लेकर आते हो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो क्या करते हैं आप, जितने भी साल आपने प्राइवेट पर्पज के लिए जो बिल्डिंग को इस्तेमाल की थी, उतने सालों का आप क्या करोगे, नोशनल डेप्रिसिएशन रिड्यूस करके फिर फाइनली उसकी WDV लेकर आओगे। मतलब कि इतने सालों तक, जितने सालों तक आप प्राइवेटली उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहे थे, इतने सालों तक आपको कोई एक्चुअल डेप्रिसिएशन का अलाउंस नहीं दिया गया, आपको कोई एक्चुअल डेप्रिसिएशन का अलाउंस नहीं दिया गया, लेकिन आप नोशनल डेप्रिसिएशन क्या कर रहे थे, रिड्यूस कर रहे थे। नोशनल डेप्रिसिएशन स्टूडेंट आप रिड्यूस कर रहे, सॉरी, आपको नोशनल डेप्रिसिएशन रिड्यूस करना पड़ेगा फॉर दीज मनी पीरियड फॉर विच द एसेट वॉज यूज फॉर प्राइवेट पर्पज। उसके बाद है स्टूडेंट 44AD एंड 44ADA, प्रिजम्पटिव इनकम वाला केस है। मालूम है जिस साल मैं प्रिजम्पटिव इनकम में रहता हूँ उस साल तो मुझे कोई ऐसे डेप्रिसिएशन तो क्लेम होता नहीं है, इजंट इट? क्योंकि 8% या 6% ऑफ द टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट को मान लिया जाता है, बताओ क्या मान लिया जाता है, एज अ डीम्ड इनकम या बिजनेस इनकम, तो उसे मान लिया जाता है। और इसी वजह से स्टूडेंट्स ये जो 44AD एंड 44ADA ये जो इनकम है 44AD एंड 44ADA, जिस साल आपका ये प्रिजम्पटिव इनकम बना था, जिस साल ये आपका प्रिजम्पटिव इनकम बना था उस साल का, तो ये आपका प्रिजम्पटिव इनकम तो उस साल का था आपका, दैट वाज अ प्रिजम्पटिव इनकम ऑफ दैट ईयर। लेकिन अगले साल क्या, अगले साल जब आप प्रिजम्पटिव इनकम में नहीं रहोगे, क्योंकि आपका शायद टर्नओवर 5 करोड़ का हो चुका है, मोर देन 2 करोड़ के ऊपर चला गया है, तब तो आप प्रिजम्पटिव इनकम में नहीं हो। जब आप प्रिजम्पटिव इनकम में नहीं हो तो फिर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है ऑन द एक्चुअल बेसिस, ठीक है ना? लेकिन पिछले साल का जो प्रिजम्पटिव इनकम का जो पीरियड था, उतने साल का आप नोशनल बेसिस पे क्या करेंगे, वो डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करके फिर ओपन WDV लाएंगे। किस साल के लिए, जिस साल आपका टर्नओवर 5 करोड़ है, मतलब कि जो एग्जांपल मैंने जो दिया आपको, और जहां पे आप PGBP कंप्यूट करोगे एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। तो एज पर द नॉर्मल प्रोविजन PGBP कंप्यूट करना है, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन अलाउंस आप क्लेम करोगे। तो क्लेम किस WDV पे करोगे, रिड्यूस WDV, किससे रिड्यूस किया आपने, नोशनल डेप्रिसिएशन से। किस साल का नोशनल डेप्रिसिएशन आपने लिया, दैट ईयर इन विच द SSC हैड नो, दैट ईयर इन विच द SSC के पास क्या नहीं था, बताओ जल्दी से, वो साल जिस साल SSC के पास नॉर्मल प्रोविजन नहीं था और वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे क्या है, अपना इनकम ऑफर कर रहा था फॉर टैक्स पर्पस। तो ये कुछ केसेस हैं स्टूडेंट जहां पे नोशनल बेसिस पे क्या है, आपको बताया गया है कि नोशनल बेसिस पे डेप्रिसिएशन अलाउ किए जाते हैं। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए। 43(6) क्लॉज नंबर सी, ब्लॉक स्कीम, वो तो ऊपर मैंने फॉर्मेट ही आपको ब्लॉक का दे दिया कि किस तरीके से ब्लॉक स्कीम में WDV लाई जाती है, ओपनिंग WDV, एड एडिशंस, लेस मनी पेएबल, देन क्लोजिंग WDV, उसके बाद डेप्रिसिएशन, और फिर 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग WDV, तो ये WDV लाई जाती है। अब आप देख रहे हो न्यूली एक्वायर्ड एसेट पे स्टूडेंट्स, पूरी गेम अब यहां पर आ गई है, दिल थाम के बैठिएगा स्टूडेंट्स, बहुत क्रिटिकल स्टेज में आप लोग आ गए हो। एक्चुअल कॉस्ट वाला जो पॉइंट है यहां पे देखना ध्यान से, इस पे ये किसके लिए एक्चुअल कॉस्ट, ये किस WDV को हम एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ न्यूली एक्वायर्ड एसेट, इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, न्यूली एक्वायर्ड एसेट WDV को बोला जाता है एज द एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। परचेज प्राइस जो होगा एसेट का, उसमें से कुछ लेस करना है आपने और कुछ ऐड करना है आपने, और वो ऐड और लेस का लिस्ट स्टूडेंट्स दे दिया गया है। अच्छा, बाय द वे फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां जहां ग्रीन
आपको कलरिंग मिलेगी, वो किस कॉन्टेक्स्ट में होगा, आईसीडीएस देखेंगे, आईसीडीएस। उसके पहले ये देखिएगा लेस का, देखते हैं लेस में, दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट एज हैज बिन मेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन, तो वो क्या होगा, माइनस होगा। सेल दिल्ली का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जहां पे एसएससी ने क्या किया था, एसेट को अक्वायर किया गया, एसेट को अक्वायर किया था बाय टेकिंग द पार्ट लोन। तो पार्ट लोन एसएससी ने लिया है, और वो लोन लेके एसएससी ने क्या किया है, दैट लोन हैज बिन टेकन एंड देयर आफ्टर द एसएससी कुड नॉट मेक द पेमेंट ऑफ दैट लोन अमाउंट। क्योंकि एसएससी वो पेमेंट नहीं कर पाया था लोन अमाउंट का, इस वजह से क्या, बैंक को वेवर देनी पड़ी, बैंक ने वेवर दिलवा दिया। तो क्वेश्चन ये आया था कि क्या बैंक के वेवर की वजह से क्या वो लोन अमाउंट वो रिड्यूस करना पड़ेगा इन डिटरमाइनिंग द एक्चुअल कॉस्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर गिविंग द वेवर, इसका मतलब ये होगा कि उतना हिस्सा जितना वेवर किया गया है, उतना हिस्सा का बर्डन कौन बेयर कर रहा है, इट इज बिन बोर्न बाय दी बैंक। तो इस वजह से ये अमाउंट रिड्यूस होगा, दैट एग्जैक्टली व्हाट दिस जजमेंट ऑफ सेल दिल्ली वाज ऑल अबाउट। दूसरा और एक ये भी काफी पॉपुलर है, एग्रीगेट पेमेंट आपने किया है ग्रेटर देन ₹10,000 ऑन अ सिंगल डे, एक दिन पे सिंगल डे पे ये एग्रीगेट पेमेंट हुआ है इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 ऑन अ सिंगल डे, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ स्पेसिफाइड मोड, वही सब अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस, ये सब मोड आपको दिए गए। सो एग्रीगेट पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 ऑन सिंगल डे प्लस व्हाट, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ स्पेसिफाइड मोड, तो वो क्या होगा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, दिस विल बी डिसअलाउड कंप्लीटली, इजंट इट, डिसअलाउड नहीं कहोगे आप, ये क्या कहोगे, ये कॉस्ट में आप उतना पोर्शन को बाहर निकाल दोगे, दैट मच ऑफ द पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप उतना हिस्सा कॉस्ट का बाहर निकाल दोगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, एक्सप्लेनेशन नंबर 10 टू सेक्शन 43(1), दैट पोर्शन ऑफ एन एसेट एज हैज बिन मेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सीजी और एसजी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सब्सिडी, ग्रांट और रीइंबर्समेंट, एक्सप्लेनेशन 10 टू 43(1), बधाई हो, यहां से आप शुरू होते हो ICDS 7। ये किस ICDS 7 में क्या है, सब्सिडी ग्रांट, उस कॉन्टेक्स्ट में ICDS 7 है। तो अगर कोई पोर्शन ऑफ कॉस्ट सीजी या एसजी की तरफ से बेयर की गई है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी और ग्रांट, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में वो अमाउंट को भी आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, जो कि एक्सप्लेनेशन 10 भी कहता है एज पर 43(1)। जरा एक बार देखना शुरू, ICDS 7 क्या कहता है, पहले तो ये रिकॉग्निशन बताता है कि रिकॉग्नाइज कब करना है, किस प्रीवियस ईयर में रिकॉग्नाइज करोगे। तो इसमें ये बोला जाता है कि देर हैज टू बी अ रीजनेबल अश्योरेंस, किस बात के लिए रीजनेबल अश्योरेंस होनी चाहिए, दो चीजों के लिए रीजनेबल अश्योरेंस होनी चाहिए, पहला कि दी एसएससी दैट द एसएससी रीजनेबल अश्योरेंस होना चाहिए कि एसएससी की तरफ से जो कंडीशंस है ग्रांट को लेके वो मेट हो जाएंगे, और दूसरा रीजनेबल अश्योरेंस किस बात को लिए होना चाहिए, दैट दी ग्रांट वुड बी रिसीव्ड। तो ये दोनों चीजों के लिए रीजनेबल अश्योरेंस होना चाहिए, अगर है, अगर ये है, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस प्रीवियस ईयर में आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स को रिकॉग्नाइज कर देना है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे, याद है आप लोगों को, कि कॉन्ट्रैक्टर को मिला था एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो 5 साल का था, अगर वो 5 साल के अंदर काम कंप्लीट कर दे तो उसको हम लोग वो 10% एक एक्स्ट्रा उसको क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। अब पहले 2 साल में तो उसने 5 या 10% ही किया, तीसरे साल में पूरी उसने जोर लगा दी, और उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट का 75% उसने तीसरे साल में कंप्लीट कर दिया। तो बताइए क्या रीजनेबल अश्योरेंस लग रहा है आपको तीसरे साल के एंड पे कि ये कंडीशन को फुलफिल कर देगा, बिल्कुल लग रहा है, तीसरे साल में ही उसका 80-85% हो चुका है, और इस वजह से अब लग रहा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर देरी किस बात की, आपको आगे पोस्टपोन नहीं करना है आपका अपना गवर्नमेंट ग्रांट का रिकॉग्निशन, आपको फिर उसी साल कर देना है रिकॉग्निशन जिस साल देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट द पर्सन विल कंप्लाई विद द कंडीशंस एंड द ग्रांट शैल बी मेट। ये प्राइमरी क्या है, रीजनेबल, ये रिकॉग्निशन की क्राइटेरिया। एक्सेप्शन देखो क्या वो कहता है यहाँ पे, रिकॉग्निशन शैल नॉट बी पोस्टपोन
ये जो रिकॉग्निशन है उसे आप पोस्टपोन नहीं करोगे बियॉन्ड द डेट ऑफ द एक्चुअल रिसीट, बियॉन्ड व्हाट द डेट ऑफ द एक्चुअल रिसीट। ये बात तो सही है कि अगर हाथ में अगर आपके पैसे आ गए हैं, भले ही वो आपको 5 साल का सफर तय करना, लेकिन आपको अगर हमने पहले ही एट द वेरी आउटसेट अगर पैसे रख दिए हैं तो भाई आपको फिर उसी साल उसकी रिकॉग्निशन करनी पड़ेगी, उसी साल आपको उसकी रिकॉग्निशन फिर आप करनी पड़ेगी। लेकिन रिकॉग्निशन करोगे कैसे, व्हाट इज अ ट्रीटमेंट, व्हाट इट विल बी कंसिडर्ड, क्या इनकम माने या कैपिटल रिसीट माने, इसको क्या मान के चले। तो ट्रीटमेंट पर आ रहा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेप्रिशबल फिक्स एसेट जो अभी अभी भी आपने देखा था एक्सप्लेनेशन 10-43(1) के हिसाब से बताओ क्या होगा। अगर ये डेप्रिशबल फिक्स एसेट है तो एज पर दी एक्सप्लेनेशन 10-43(1) यू आर गोइंग टू रिड्यूस इट फ्रॉम दी एक्चुअल कॉस्ट, रिड्यूस इट फ्रॉम दी एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट से आपको रिड्यूस करना, जो कि आपने अभी देखा है। अदर्स में देखो स्टूडेंट्स, ये जरा पढ़ने की कोशिश करना, अगर ये अदर होंगे तो उसे हम इनकम मानेंगे, रिड्यूस नहीं होगा। तो ये एक रिड्यूस वाला पर्टिकुलर पॉइंट है। और दूसरा वाला है इनकम वाला। जो इनकम वाला है इसमें आप देखना कि ये जो ग्रांट आपको मिला है किसके लिए मिला है, इज इट फॉर नॉन डिप्रिशिएबल फिक्स एसेट, लैंड की गवर्नमेंट ग्रांट आपको दी जा रही है, व्हाट एग्जैक्टली दे हैव गिवन इट टू यू, तो किस पे आपको गवर्नमेंट ग्रांट दिया है। तो नॉन डिप्रिशिएबल फिक्स एसेट के लिए आपको गवर्नमेंट ग्रांट दिया है, जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में दिया था आपको लैंड, उसके लिए क्या आपको गवर्नमेंट ग्रांट दिया जा रहा है। या सेकेंड में देखना, कॉम्पेंसेशन फॉर एक्सपेंस और लॉस इनकर्ड फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, तो क्या आपको कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है किसके लिए, फॉर एक्सपेंस या फिर लॉस इनकर्ड फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, क्या उसके लिए आपको दिया जा रहा है गवर्नमेंट ग्रांट। या तीसरे में अदर्स लिखा गया है, अदर्स में ये अल्टीमेटली किस कॉन्टेक्स्ट में ये गवर्नमेंट ग्रांट होगा। तो ये तीन चीजें आपको दी गई हैं जो कि आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे नॉन डिप्रिशिएबल फिक्स एसेट पे लिखा गया है रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओवर द सेम पीरियड ओवर विच द कॉस्ट ऑफ मीटिंग सच ऑब्लिगेशन इज चार्ज टू इनकम, तो इसे ये रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एन इनकम ओवर द सेम पीरियड ओवर विच द कॉस्ट ऑफ मीटिंग सच ऑब्लिगेशन इज चार्ज टू इनकम। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, मतलब कि यहां पे मैंने एग्जांपल देखो दिया है, लैंड अगेंस्ट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो पकड़ लो ना कि आपको हम लैंड दे रहे हैं, ये देखते हुए कि 200 की लोकल एम्प्लॉयज, वहां के लोकल लोगों को आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, तो मुझे उसके लिए गवर्नमेंट बोल रहा है कि 1 करोड़ का आपको हम लैंड खरीदने के लिए ग्रांट दे देंगे, मतलब कि जो लैंड का कॉस्ट होगा आपको उस पे 1 करोड़ का हम आपको ग्रांट दे देंगे। अब होगा क्या ना कि पहले साल में मैंने 50 एम्प्लॉय को रिक्रूट कर दिए वहां के लोकल, तो 1/4 मैंने क्या कर दिया, 1/4 प्राइमली मैंने उसको कंडीशन एक तरीके से फुलफिल ही समझो, तो 1/4 का ये हो गया है। तो 1/4 एम्प्लॉय जो मैंने अपॉइंट कर चुके हैं एज पर मैट कोटा और टारगेट, तो 1/4 ऑफ 1 करोड़ जो कि होगा आपका 25 करोड़, ये अल्टीमेटली इनकम आपको मानना पड़ेगा। उसी तरीके से जब अगले सालों में आप बैलेंस कोटा फिल करोगे तो उतना प्रो रेटा बेसिस पे आपको उसको इनकम मानना पड़ेगा। कॉम्पेंसेशन फॉर एक्सपेंस और लॉस इनकर्ड फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, तो ये बोला गया है पीरियड इन विच इट इज रिसीवेबल, जैसे कि मैंने ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का एग्जाम्पल दिया है, तो जिस पीरियड में आपको पावर सब्सिडी बोलो, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी बोलो, ये कुछ एग्जाम्पल है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं। तो अदर एग्जाम्पल भी, जिस साल आपको ये रिसीव हो रहा है ये होगा आपका पावर सब्सिडी, जस्ट एन एग्जाम्पल। तीसरा है रिकॉग्नाइज एज इनकम, ये अदर्स के कॉन्टेक्स्ट में रिकॉग्नाइज एज इनकम ओवर द सेम पीरियड नेसेसरी टू मैच देम विद द रिलेटेड कॉस्ट विच दे इंटेंड टू कॉम्पनसेट, विच दे आर इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट। ये क्या एग्जैक्टली है मैं आपको बताता हूँ। सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था विथ अर्ली कंप्लीशन डेट्स, कि अगर भाई अगर 4 साल में आपको आप कंप्लीट करोगे तो हम आपको प्राइमरी क्या होगा 30 लाख रुपए देंगे। अब ये 30 लाख रुपए इसके लिए भी तो दिया जा रहा है कि भाई आपको जो जनरली 5 साल में कंप्लीट करना था वो 4 साल में कंप्लीट करवाने के लिए कह रहे हैं। अब 4 साल को कंप्लीट करवाने के लिए मतलब मुझे एक्स्ट्रा लेबर, नाइट शिफ्ट मुझे काम करना पड़ेगा। अब नाइट शिफ्ट जब काम करूंगा तब जाके ये चीज़ कंप्लीट होगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा लेबर मुझे मंगानी पड़ेगी। तो अब क्या हो रहा है, आपका कॉस्ट हो रहा है।
तो आपका मान के चलिए तीसरे साल में, जिस साल आपने 85% को टच किया है, तीसरे साल में आपने क्या किया है, आपने वो सारे रिक्रूटमेंट किए थे जितने कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट आपने तीसरे साल में बेयर कर लिया था, तो उस हिसाब से ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है आपको, फिर आपको किस साल में इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज द इनकम, इन द ईयर नंबर 3। तो ईयर नंबर 3 में इसे एज एन इनकम मानना चाहिए, क्योंकि वो उस साल का जो कॉस्ट है जिसको कॉम्पनसेट करने के लिए ग्रांट दिया जा रहा है, उस साल आपने ये कॉस्ट को इनकर किया था। तो ये आपके माइनस थे, माइनस में और एक स्टूडेंट्स है आपका, दो पॉइंट और रह गया है माइनस में। एक है आपका सनमैट क्रेडिट अवेल्ड एक्सप्लेनेशन 9-43-1, क्या लिखा गया ब्रैकेट में, कंपेयर विथ सनमैट क्रेडिट टेकन ऑन द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे अगर सनमैट क्रेडिट लिया भी जाता है तब भी एक सेक्शन बताया गया था, बताइए वो कौन सा सेक्शन था, 145A। एज पर सेक्शन 145A बताओ क्या कहता है, आपको ये जो इन्वेंट्री है उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ द कम ड्यूटी प्राइस। कम ड्यूटी प्राइस के बेसिस पे आपको वैल्यूएशन करना है, ये चीज़ आप लोग खास से ध्यान में रख के चलना। ट्रायल रन के इनकम को भी, ट्रायल रन के इनकम को भी आपको क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा, एंड दैट एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी गोइंग। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एड की तरफ आ जाओ। तो ICDS इसके अंदर काफी एप्लीकेबल होने वाले हैं, तो यहां पे पहले ICDS नंबर 5 बताओ क्या कहता है। ICDS नंबर 5, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंस ऑन मेकिंग द एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। ये बाय द वे ICDS 5 किसके लिए है, फॉर टैंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए। ICDS 5 किसके लिए है, टैंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए है ICDS 5, नाम भी याद है कि नहीं। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस ऑन मेकिंग दी एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, जो भी है खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो आपका उस एसेट को तैयार करने के लिए जिसके लिए वो उसको इस्तेमाल किया जाएगा, तो जो खर्चे आपने इनकर किए वो खर्चे को आपको क्या है ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने का मतलब होगा स्टूडेंट्स कैपिटलाइज करना, तो कैपिटलाइज दीज एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंस ऑन टेस्ट रन और कमीशनिंग, तो टेस्ट रन एंड कमिश्निंग ये खर्चे पे भी इसे क्या कैपिटलाइज करना होगा, एंड आंसर इज येस, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हो और आपको बताया गया था कि वो एक्चुअल कॉस्ट के वैल्यू पे ही वो क्या करेगा, ब्लॉक के अंदर एंट्री मारने वाला है। वो एक्चुअल कॉस्ट के ही वैल्यू पे स्टूडेंट्स क्या होगा, ब्लॉक के वैल्यू पे एंट्री मारेगा। सो इट इज़ गोइंग टू एंटर इन द ब्लॉक ओनली एट द एक्चुअल कॉस्ट, जस्ट कीप दैट इन माइंड। सो एक्सपेंस ऑन टेस्ट रन कमिश्निंग, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। उसके बाद है आपका एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इफ दे डू नॉट रिलेट टू स्पेसिफिक टैंजिबल फिक्स एसेट। तो एक एडमिन और जनरल ओवरहेड्स अगर आपने इनकर किया है तो वो तब भी कैपिटलाइज होगा विद द एक्चुअल कॉस्ट ओनली इफ इट इज स्पेसिफिकली मेंट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर टैंजिबल एसेट। अगर एक सुपरवाइजर है जो कि मॉनिटर करना है 100 प्लांट्स, तो भाई ये तो जनरल एडमिन ओवरहेड्स हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये सुपरवाइजर का आप प्रो रेटा बेसिस पे क्या करो, उसकी तनख्वाह को सब जगह पे कैपिटलाइज करो, ये नहीं होगा। सो जस्ट कीप दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन माइंड। तो ये आपका ICDS 5 के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स। साथ ही साथ में एड में इंटरेस्ट ऑन लोन भी आएगा, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन 8-43-1 है, ये जो कि आपको पता होगा कि अप टू द डेट द एसेट इज पुट टू यूज, ये आपको आइडिया है कि ये कैपिटलाइज होता है। लेकिन ICDS 9 एक बहुत चतुराई से उस बोरोइंग कॉस्ट को जो कि आपको कैपिटलाइज करना है, उस बोरोइंग कॉस्ट को जो कि आपको कैपिटलाइज करना है उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करता है। देखते हैं ICDS 9। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक पहले पॉइंट लिखा है बॉक्स में, वो देख लेते हैं। व्हाट वी हैव सेड इन दिस केस, इंटरेस्ट इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड टू बी चार्ज टू IFOS। इंटरेस्ट इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो अगर आइडल फंड था और उस आइडल फंड को मैंने क्या किया, टेम्पररी इन्वेस्ट करवा दिया, और उस टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से मुझे कुछ थोड़े बहुत इंटरेस्ट इनकम आ गए, तो फिर ICDS इस 9 में प्लस सुप्रीम कोर्ट का ओल्ड जजमेंट टूटीकोरी अल्कली एंड केमिकल्स लिमिटेड के केस में ये बोला गया था कि ये जो इंटरेस्ट है जो कि इनकम आपने अर्न किया है ऑन डिपॉजिट ऑफ द लोन और द आइडल फंड्स, वो इंटरेस्ट इनकम
को आपको चार्ज करना पड़ेगा सेपरेटली अंडर द IFOS. अच्छा, बाकी बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट में देखो आगे लिखा मैंने इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय अ पर्सन इन कनेक्शन विद बोरिंग ऑफ द फंड्स. तो अदर कॉस्ट में क्या होगा, एग्जाम्पल के रूप में अदर कॉस्ट में प्रोसेसिंग फीस, दैट कैन बी ए पार्ट एंड पार्सल और द एग्जाम्पल ऑफ द अदर कॉस्ट. आगे देखना उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू परचेज और कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट. अगर डायरेक्टली कोई अगर लोन लिया है फॉर अ पर्टिकुलर एसेट तो आपको कैपिटलाइज करेंगे आप लोग, ट्रीटमेंट होगा, कैपिटलाइजेशन होगा. किसका कैपिटलाइजेशन करोगे, बोरोइंग कॉस्ट का. व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट, द इंटरेस्ट अमाउंट. कब से कब तक का पीरियड आप कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटलाइजेशन, कब से कब तक का पीरियड आप कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटलाइजेशन. सो फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टिल द डेट द एसेट इज पुट टू यूज, डेट ऑफ लोन से डेट व्हेन द एसेट इज पुट टू यूज, वो पीरियड क्या होगा, कैपिटलाइजेशन वाला पीरियड माना जाएगा. सो दैट विल बी द पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, कीप दैट इन माइंड. तो बोरोइंग कॉस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टिल द डेट द एसेट इज पुट टू यूज. लेकिन बोरोइंग विच इज बोरोइंग कॉस्ट नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल किसी एक एसेट से, ये क्या है, ये जुड़ा नहीं है, तो कैपिटलाइजेशन होगा वो एक फॉर्मूला के बेसिस पे. ये फॉर्मूला का लॉजिक कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, बस यही है, प्रो रेटा बेसिस पे हर एक एसेट मेरा टुकड़ा क्या करेंगे वो कंसिडर करेंगे, और अपने टुकड़े के कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर इन जो भी बोरिंग कॉस्ट का टुकड़ा आपको मिला है वो आप आगे कैपिटलाइज करोगे. तो कैपिटलाइज ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी फ्रॉम से लेके टिल. अब ये कहां से कहां तक ये सफर देखते हैं स्टूडेंट्स. सो फ्रॉम द डेट ऑन विच फंड्स वेर यूटिलाइज्ड, जिस साल आपने फंड्स को यूटिलाइज किया है. फर्क देख रहे हो आप लोग पिछले वाले केस में और इस वाले केस में. पिछले वाले केस में था फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, तो वहां से क्या था, ये कैपिटलाइज होना था. ये वाले केस में क्या है, फ्रॉम द डेट ऑन विच फंड्स वेर यूटिलाइज्ड, मतलब कि फंड को जब मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया वहां से लेके टिल द डेट द एसेट इज पुट टू यूज, तो उतने पीरियड तक का ही इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज. उसके पहले अगर इंटरेस्ट कोई एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया होगा स्टूडेंट्स पहले, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर फिर खतरा बना है उस पे, किसका, डिसअलाउंस का. सो दैट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड, बी केयरफुल ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो ये जो दोनों में डिफरेंस है, डायरेक्ट होगा तो फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टिल द डेट द एसेट इज पुट टू यूज वहां तक, अगर ये इनडायरेक्ट है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके जो कि प्रोरेटा कैलकुलेशन है, ए बी एन सी यहां पे बताई गई है, वो प्रोरेटा कैलकुलेशन आपको अप्लाई दे देगा द इंटरेस्ट जो कि आपको कैपिटलाइज करना है. और ये इंटरेस्ट, ये जो बोरिंग कॉस्ट है, आपने किस पीरियड के लिए कैलकुलेट किया है, फ्रॉम द डेट व्हेन द फंड्स वेर यूटिलाइज्ड, आपने जब उसको इस्तेमाल किया है, टिल द डेट व्हेन द एसेट इज पुट टू यूज. ये ए बी और सी जो है स्टूडेंट्स, ये वही है. ए डेफिनेटली होना चाहिए बोरिंग कॉस्ट और उसी पे प्रोपोर्शन लगवाया जाएगा. बी क्या है, एवरेज ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट, जिस एसेट पे आपको अब इस स्टेज में प्रोपोर्शन लगवाना है, कैपिटलाइज. प्रोपोर्शन का मतलब है कैपिटलाइज करना. और पॉइंट सी में द एवरेज ऑफ द अमाउंट ऑफ द टोटल एसेट एज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट. ठीक है ना, प्रोपोर्शन ही तो था एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, अब एड में आइए स्टूडेंट्स अगला पड़ाव जो कि इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका 43A. और इसी के साथ और एक ICDS स्टार्ट हो जाएगा, वो है ICDS नंबर 6. पहले है 43A, एसेट एक्वायर्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री प्लस लोन टेकन इन फॉरेन करेंसी. तो ये दोनों ही कंडीशन पे गौर रखना स्टूडेंट्स आप लोग, एसेट एक्वायर्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री एंड व्हाट एंड द लोन इज टेकन इन फॉरेन करेंसी. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, तो 43A क्या करेगा, अपने आप अपनी सुप्रीमेसी दिखाएगा. किस बात की सुप्रीमेसी, दो चीजों के लिए, किस साल ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग, और दूसरा इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी. सो देयरफॉर द रिकॉग्निशन एंड द सेकंड वन इज अबाउट द ट्रीटमेंट. तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स क्या है, 43A का ये कंडीशन है जो कि अगर सेटिस्फाई अगर हो जाए
तो फिर उस केस में आप आईसीडीएस 6 की तरफ नहीं जाओगे, देन इन दैट केस यू विल नॉट गो टू आईसीडीएस 6। तो और एक क्वेश्चन दिमाग में आपके अगर नहीं है तो मैं डाल देता हूं, अगर स्टूडेंट्स बिटवीन आईसीडीएस एंड 43A, बिटवीन आईसीडीएस एंड 43A दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, बिटवीन आईसीडीएस या सेक्शन बोल दो, 43A फॉर द टाइमिंग छोड़ ही दो, आप कोई भी आईसीडीएस लो और कोई भी सेक्शन लो, दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर क्या प्रिवेल कर जाएगा ऐसे केस में? इट इज अ सेक्शन दैट विल प्रिवेल ओवर दी आईसीडीएस, कीप दैट इन माइंड। अच्छा, तो रिकॉग्निशन एंड ट्रीटमेंट, तो रिकॉग्निशन क्या बोला गया 43A में? प्रीवियस ईयर इन विच लोन इज रीपेड आइदर इन फुल और इन पार्ट, आइदर इन फुल और इन पार्ट, जिस साल उसने लोन को चुकाया है या तो पूरा या तो जो भी होगा प्रोरेटा। और ट्रीटमेंट यहां पे क्या है? इन सच केस इट विल बी कैपिटलाइज। तो ट्रीटमेंट में स्टूडेंट्स यहां पे बताया गया कि ये जो भी आपका प्रीवियस ईयर के जो भी आपके रिकॉग्निशन आपने करना है वो करना होगा आपको एज अ बाय कैपिटलाइजिंग द एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस। अच्छा, बाय द वे ये दोनों तरफ हो सकता है, लॉस भी हो सकता है गेन भी हो सकता है, जनरली तो 95% तो लॉस ही होंगे, लेकिन अगर गेन की गुंजाइश अगर निकली, अगर कोई गेन की गुंजाइश अगर निकलती है तो फिर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आप माइनस करोगे फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट। तो अभी तक तो आप एड बैक ही करते जा रहे थे, अब इस केस में क्या होगा, माइनस करना होगा द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अगर गेन अगर आता है तो, लॉस अगर है जो कि 95% वही होंगे तो वो क्या करेंगे, एड बैक। किस साल किया जाएगा? जिस साल ये लोन को रीपे किया जा रहा है आइदर इन पार्ट और इन फुल। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मार्क टू मार्केट की इजाजत नहीं है 43A के अंदर, मार्क टू मार्केट की इजाजत नहीं है इन सेक्शन 43A, कीप दैट इन माइंड। 43(6), अच्छा आईसीडीएस 6 में ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, तो देखो चार्ट बेहतरीन है, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, नॉन मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स अदर देन 43A, और आखिरी में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अदर देन 43A। मतलब कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर आप अपना एक्सचेंज पर क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, ठीक है, और अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर लिया जाता है फॉरवर्ड पर्पस टू हेज योर लॉस, जनरली तो यही होता रीजन, इजंट इट? अगर मैंने फॉरेन एसेट के लिए मैंने एक फॉरेन करेंसी लोन लिया और मुझे पता है कि ये फॉरेन करेंसी लोन ये बढ़ता जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसी वजह से मैंने क्या किया है, मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही ले लिया है, जिस डेट पे मैं पेमेंट करूंगा उस डेट का मैंने आज ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, फ्रीज कर दिया है क्या है अपनी लायबिलिटी, दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये पर्टिकुलर 43A के सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है तो जो भी डिफरेंस है बिटवीन द स्पॉट रेट एंड द फॉरवर्ड रेट उसको आपको 43A के मुताबिक ही आगे ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, मतलब कैपिटलाइज। और किस साल करोगे? जिस साल आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे किया या लिया। नॉन मॉनेटरी आइटम स्टूडेंट्स देख लो एक बार, नॉन मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स का एग्जांपल क्या है, शेयर कैपिटल है, फिक्स एसेट्स है, इवन स्टॉक इन ट्रेड, स्टूडेंट स्टॉक इन ट्रेड भी नॉन मॉनेटरी है। तो आप बोलोगे सर फिर मॉनेटरी का मतलब क्या है, तो मॉनेटरी का मतलब है कि कोई भी एक अकाउंट जिससे आपको या तो पैसा मिलने वाला है या तो आपको पैसे देने हैं, सो देर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ राइट और अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइदर रिसीविंग द मनी बैक और गिविंग द मनी टू द लेंडर्स। तो वो अकाउंट को ही हम मानेंगे एज व्हाट, एज द मॉनेटरी आइटम्स। स्टॉक एंड ट्रेड जैसे मैंने कहा ना करंट एसेट हो सकता है, बट ये मॉनेटरी आइटम नहीं माना जाएगा। सो मॉनेटरी आइटम्स अदर देन सेक्शन 43A, इसकी रिकॉग्निशन स्टूडेंट देखो क्या होगा, ऑन MTM बेसिस, मार्क टू मार्केट के हिसाब से इसकी रिकॉग्निशन होगी, ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो ये भी एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी ट्रीटमेंट चली जाएगी इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कोई भी लोन लिया है, ठीक है, फॉरेन करेंसी लोन लिया है, फॉर व्हाट पर्पस, से फॉर सम ट्रेडिंग पर्पस, तो वो जो फॉरेन करेंसी में जो लोन लिया गया है वो एक्सचेंज रेट तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, जितना लेट पे करोगे उस कॉन्टेक्स्ट में,
तो उसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स ये एक्सचेंज रेट्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको एमटीएम का यहाँ पे उन्होंने क्या है ये कॉन्टेक्स्ट दिया है एज फार एज एमटीएम मार्क टू मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ये उन्होंने दे रखा है 31 मार्च को ही आप क्या करोगे इसका अल्टीमेटली जो भी है एक्सपेंडिचर लॉस होगा या इनकम होगा जो भी है उसकी रिकॉग्निशन आप पीएनएल में दे दोगे। आप बोलोगे नहीं सर हमारा तो सेटलमेंट हो गया इसी साल, तो ठीक है, तो लास्ट ईयर का जो लास्ट 31 मार्च है उसका एमटीएम रहेगा आपके पास, और अभी जो सेटलमेंट किया है तो उस दोनों को कवर कंपेयर करोगे, लास्ट ईयर का आपका 31 मार्च और करंट पर्टिकुलर ईयर का आपका जो भी डेट रहेगा, वो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, उसकी रिडक्शन बनेगी, या अगर इनकम है तो फिर वो इनकम माना जाएगा, लेकिन जो रिकॉग्निशन होगा वो कहाँ होगा, पीएनएल में होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो रिकॉग्निशन एमटीएम के बेसिस पे एंड द ट्रीटमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो है आपका स्टूडेंट्स फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अदर देन सेक्शन 43 है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अदर देन सेक्शन 43 है जैसे मैंने बताया था। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है हेजिंग पर्पस के लिए, ये लेकिन जो भी डिस्कशन हो रहा है ये हो रहा है अदर देन 43A के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर ये हेजिंग पर्पस के लिए लिया गया है तो फिर उस केस में एक्सचेंज डिफरेंस जो होगा, क्योंकि मेरा कोई एक करस्पॉन्डिंग ट्रांजेक्शन है जिसका रिस्क एक्सपोजर को मैं मिटिगेट करने के लिए क्या कर रहा हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो फिर जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस का डिडक्शन मिल जाएगा या उसे इनकम माना जाएगा, बट लेकिन प्रोरेटा बेसिस पे, प्रोरेटा बेसिस पे। तो कितने महीने इस पर्टिकुलर ईयर में आते हैं उतने महीने का प्रोरेटा अमाउंट का डिडक्शन आप ले सकते हो इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अच्छा अगर ये फॉर स्पेकुलेशन पर्पज अगर होगा तो मतलब कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेकुलेशन पर्पज के लिए, मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया, स्पेकुलेशन पर्पज के लिए अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं उपलब्ध है आपके पास, करस्पॉन्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं उपलब्ध है आपके पास, दैट इज व्हाट इट मींस। मींस व्हाट इट मींस, दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इज टेकन फॉर स्पेकुलेशन पर्पज, कोई भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं सामने, तो उस केस में एक्सचेंज डिफरेंस चार्ज टू पीएनएल ओनली एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेटलमेंट के टाइम पे ही क्या होगा ये एक्सचेंज डिफरेंस मानी जाएगी। ये मिसलेनियस आपको पता है स्टूडेंट्स, द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन पता है ना, ये जहां पे ये बोला गया है बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग किस टाइप के, अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इंटू एलएलपी, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां पे देखना शुरू इसका नेक्स्ट पॉइंट, इन द ईयर इन विच द बिजनेस इज सक्सीडेड ऑन अकाउंट ऑफ द अबाउ रिस्ट्रक्चरिंग डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट ऑफ द ट्रांसफरर इज कैलकुलेटेड नॉर्मली एंड इट इज अप्रोप्रिएटेड बिटवीन प्रेडिसेसर एंड द सक्सेसर इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज द एसेट वॉज यूज बाय देम। सो डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट ऑफ द ट्रांसफरर इज कैलकुलेटेड नॉर्मली, मतलब कि ये भूल जाया जाता है कि ऐसा कोई अमालगमेशन डीमर्जर हुआ है, ठीक है, और जितना डेप्रिसिएशन बनता होगा एज पर द लॉ उतना आप अमाउंट कंसिडर कर लेंगे और फिर उसे आप स्प्लिट करोगे बिटवीन बोथ प्रेडिसेसर एंड द सक्सेसर इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज एसेट वॉज यूज बाय देम, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज एसेट वॉज यूज बाय देम। ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे रेफर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इन कैपिटल गेन्स, ये लिखा है स्टूडेंट्स कैपिटल गेन्स में, क्वेश्चन है शायद कल्पेश का, दैट इज अ क्वेश्चन इन द चैप्टर कैपिटल गेन्स, वो क्वेश्चन एक बार स्टूडेंट देख के रखना क्योंकि उसमें ये अपार्ट फ्रॉम द अदर एस्पेक्ट ऑफ सीजी उसमें ये भी टेस्ट वहां पे किया गया है। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट है आपका पूरा पूरा डेप्रिसिएशन का, देखो कितना बड़ा वाला कंसेप्ट, कितने आईसीडीएस हंसते खेलते आपके मैंने कंप्लीट करवा दिए, ICDS 10 से कहानी शुरू की थी, ICDS 4 से कहानी शुरू की थी रेवेन्यू रिकॉग्निशन से, फिर ICDS 10 में पहुंचे वहां पे पहुंचने का लाभ मिला, ICDS 5 में पहुंचे, फिर ICDS 7 में भी आप पहुंचे थे सब्सिडी के कॉन्टेक्स्ट में, फिर अभी जाते आते ICDS नंबर 6 पे आपने अपना कदम रखा था। तो ये सारे ICDS स्टूडेंट्स वी हैव डन वन बाय वन इन दिस कॉन्टेक्स्ट।
अब 30 और 31 में ये क्या है फ्रेंड्स, रेंट रेट्स टैक्सेस इंश्योरेंस एंड रिपेयर्स, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या डिडक्शन दिया जा रहा है, तो रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस एंड रिपेयर्स। जहां तक 30 का मामला है वो बिल्डिंग का ये सारे एक्सपेंडिचर होंगे, ये सारे एक्सपेंडिचर अगर बिल्डिंग के होंगे तो मामला 30 में चला जाएगा, अगर यही सारे एक्सपेंडिचर प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में होंगे तो ये मामला 31 में चला जाएगा। बिल्डिंग में मैंने एक स्पेशल पॉइंट लिखा है, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड टू बी अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू 43B। ऑब्वियस बात है पेमेंट बेसिस पर ही ये होगा डिडक्शन, इज इट 43B में ये पेमेंट बेसिस में चला जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए को फिर से ICDS 5 के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं, लेकिन इस बार अंतिम बार करेंगे। लेकिन एक बार ध्यान ध्यान से, रिपेयर्स मीन्स ओनली द करंट रिपेयर्स। रिपेयर का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ करंट रिपेयर ही इसे माना जाएगा। नीचे क्या लिखा है, शुड नॉट बी कैपिटल नेचर। नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट एग्जैक्टली दिस ICDS 5 इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैलेंस पॉइंट हैज टू से। तो इनिशियल तो सब ऐसे ही है टाइम पास के, स्टैंड बाई इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट। अगर कोई ऐसे स्टैंड बाई सर्विसिंग इक्विपमेंट को परचेज करके अपने फैक्ट्री में इंस्टॉल कर देता है तो क्या वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट को भी कैपिटलाइज या ऐड किया जा सकता है इन द ब्लॉक, एंड द आंसर इज यस। आगे है मशीनरी स्पेयर्स। तो ये जो स्पेयर्स पार्ट है प्राइमरी जो भी होगा मशीनरी का स्पेयर पार्ट लेंगे। कैपिटलाइज इफ यूज ओनली इन कनेक्शन विद एन आइटम ऑफ अ टेंजिबल फिक्स एसेट, किसी एक पर्टिकुलर कैपिटल एसेट के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जो यूनिवर्सल कंज्यूमेबल्स उसे ट्रीट नहीं करना है। तो अगर कोई ऐसा मशीनरी स्पेयर्स अगर आपने कोई ऐसा एक्वायर किया है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और ये जो है वो किसी एक ही पर्टिकुलर एसेट, वो किसी एक ही पर्टिकुलर एसेट से पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, एंड देयर यूज इज एक्सपेक्टेड टू बी इरेगुलर, ये वाला लास्ट वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। तो वो मशीनरी स्पेयर्स जिसका इस्तेमाल एक्सपेक्टेड होगा टू बी इरेगुलर, तब जाके आप क्या करेंगे, वो कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज तब जाके स्टूडेंट किया जाएगा। तो मशीनरी स्पेयर इस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आ चुका है, एडजस्टमेंट के रूप में टोटल इनकम के ही क्वेश्चन में इसको एडजस्टमेंट के रूप में मशीनरी स्पेयर्स की ट्रीटमेंट रखी गई थी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना और ये चार्ट्स को रेफर करना, क्योंकि तब जाके ये सारे डिस्टिंक्शन थोड़े से मालूम पड़ते कि इसमें ये लिखा है उसमें वो लिखा है, इस तरीके से। इम्प्रूवमेंट एंड रिपेयर्स, फिर से यहाँ पे ICDS 5 में रिपेयर आ गया था, 30 और 31 ने भी रिपेयर्स को एम्फसाइज दे के बोला कि रिपेयर्स जो कि करंट रिपेयर्स होंगे एज पर 30 और 31, उसकी डिडक्शन हम आपको दिलवाएंगे। अब यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिपेयर्स, ICDS 5 का स्टूडेंट बहुत बेहतरीन टेस्ट डाला गया कि भाई ये कब ये कैपिटलाइज ये किया जा सकता है और ये कब आप इसकी रिडक्शन ले सकते हो। लेट्स हैव अ लुक, इफ द एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज का मैंने साइन डाला, दैट इंक्रीजेस द फ्यूचर बेनिफिट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एसेट, तो ये इंक्रीज अगर करता है क्या फ्यूचर बेनिफिट किससे, एग्जिस्टिंग एसेट बियॉन्ड इट्स प्रीवियसली असेस स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस शैल बी एडेड टू व्हाट, बी एडेड टू द एक्चुअल कॉस्ट। क्यों इसको ऐड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गेम एकदम क्लियर है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो भी आपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है, अगर उसकी लाइफ 10 साल की थी, आपने वो रिपेयर ओवरऑल बिग ओवरऑल करके उसकी लाइफ 17 साल कर दी एक्स्ट्रा और 7 ईयर्स मोर, तो 10 साल का ही था इसका लाइफ, लेकिन आपने इस पे एक नई जान फूंक दी है, तो क्या ये रिपेयर को करंट रिपेयर माना जा सकता है, द आंसर इज नो, ये रिपेयर को करंट रिपेयर नहीं मानेंगे, एंड दैट एग्जैक्टली हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे स्मॉल डिडक्शन इंपॉर्टेंट फॉर एडजस्टमेंट, ये आप लोग इस फाइल में से जाएंगे, जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है लाइक देखिए यहाँ पे 36(1)(1)(b), ये आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम वाला पर्टिकुलर पॉइंट है। 36(1)(2) बोरस एंड कमीशन, लास्ट अटेम्प्ट में ससून केमिकल्स एंड ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसी 36(1)(2) में आ चुका था। अब बाकियों की प्रबल दावेदारी है,
जिसमें से 3614 या 15 या फिर 3614A क्या है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज और अप्रूव फंड प्लस 43B, सब्जेक्ट टू वॉट? 43B, क्योंकि एम्प्लॉयर का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन को पे करना पड़ता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द ROI, वहां तक वो पहले साल के लिए पे कर सकता है। अच्छा, 3614A पे देख रहे स्टूडेंट्स कि कितना मैक्सिमम एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इन द पेंशन फंड, कितना वो मैक्सिमम डाल सकता है? दैट इज 10% ऑफ वॉट? 10% ऑफ द सैलरी, मैक्सिमम यही होगा। और सैलरी में बताओ कि अब इसमें रखा गया है बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में बताइए स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप लोग, दो स्टेप में आपको अपना सोल्यूशन लाना है। पहला स्टेप, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जब भी एम्प्लॉय के तनख्वाह से डिडक्ट की जाती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये एम्प्लॉयर की इनकम मानी जाएगी। एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन ये सारे रिकॉग्नाइज फंड्स में जब भी यहाँ पे ये एग्जाम क्वेश्चन में होगा तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका कि ये एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन को हमें इनकम मानना है। सो दिस विल बी देन बी कंसिडर एज इनकम। किसका इनकम? एम्प्लॉयर का इनकम। एक बार आपने ये एम्प्लॉयर का इनकम बना दिया तो आपने ऐड किया इनकम को, फिर आपको फिर डिडक्शन तभी दिया जाएगा जबकि आपने ये जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि आपने उनके सैलरी से रिड्यूस किया है, दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली इफ द अमाउंट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव फंड। उस रिस्पेक्टिव फंड के ड्यू डेट के अंदर अगर एम्प्लॉयर ने अमाउंट को पे कर दिया है तब तो एम्प्लॉयर को पूरी डिडक्शन मिलेगी, तब तो एम्प्लॉयर को पूरी की पूरी डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर एक दिन की भी चूक हो गई तो फिर डिडक्शन से हाथ धो बैठोगे। ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है काफी, लेकिन आईसीआर का सोल्यूशन जो मेन सोल्यूशन है वो इसी तरीके से बढ़ता है। तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन आपने सिर्फ देखना है क्या कि क्या वो जमा हो गया विद इन द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड, ठीक है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भले ही वो अपने ROI के ड्यू डेट के टाइम पे जाके सारे रिकॉग्नाइज फंड्स ये जो भी होगा ये सारे पर्टिकुलर कैटेगरी वो कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन में सख्ती बरती गई स्टूडेंट्स, उसको तो आपको जमा करना ही पड़ेगा। कब तक? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फंड। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर ओनली यहाँ पे रखा है कंपनी को ही दिया जाता है, ये कंपनी है इस कॉन्टेक्स्ट में तो सिर्फ कंपनी SSC। और कितना होगा? 1/5 ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, 1/5 ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100% है, लेकिन जहां तक कैपेक्स की बात है तो 1/5 तक ही आपको मिलेगा। नाउ यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा, अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग इस पार टू अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(2)। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर वो डिडक्शन लेने के बाद वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो अगर एनेक्स ये पर्टिकुलर जो अमाउंट बच जाता है डिडक्शन लेने के बाद, अगर कोई अनअब्सॉर्ब पोर्शन बच जाता है ऑफ दिस 1/5, तो फिर आप क्या करोगे, ये मान के चलोगे कि ये क्या है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये अनअब्सॉर्ब अमाउंट को क्या बोलोगे आप, एज अ UAD। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी स्टूडेंट्स डिसअलाउ। अच्छा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी डिसअलाउड, अब आपको अगर अलाउ करना है तो उसके दो ही तरीके हैं। क्या वो दो तरीके आप मुझे बता सकते हो? अगर प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी को अलाउ करना है तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके हैं, और वो दो तरीके क्या है? पहला, या तो वो एम्प्लॉयर क्या कर ले, फंड के अकाउंट में ही जमा कर दे, तो जैसे ऊपर देखा था अपने 3614 में, तो अगर डायरेक्टली एम्प्लॉयर फंड के उसमें ही जमा करवा देता है, फंड के उसमें ही क्या है, अगर वो जमा करवा देता है रिकॉग्नाइज ग्रेचुटी फंड में ही वो जमा कर देता है, तो फिर आपको तभी के तभी डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर ने फंड में पैसा जमा करने के बजाय, मतलब कि जो ग्रेचुटी फंड है उसमें पैसे डालने के बजाय, एम्प्लॉयर ने जानते हो क्या किया, उसने पैसे
कहाँ पे दे दिए, डायरेक्टली एम्प्लॉय के हाथ में रख दिए। बोले कि तेरा इतना ग्रेचुटी बनता था, ये ले तू निकल जा। तो फंड में जनरली क्या होता है कि अभी तक की रिकॉग्नाइज फंड में आप पैसे लगाते हो, वहां से आगे डिसबर्स होता है। यहां तो आपने उल्टा ही गेम खेल दिया, यहां तो आपने सीधा पैसा दे दिया एम्प्लॉय को, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय को भी अगर पैसे डायरेक्टली अगर मिल जाते हैं तो क्या वो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है? एंड द आंसर इज यस, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। और इसी वजह से इसकी डिडक्शन बनेगी, लेकिन 37(1) में बनेगी। डायरेक्टली अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करता है, वो एम्प्लॉय के हाथ में रख देता है। सॉरी, ग्रेचुटी जो है, जो ग्रेचुटी का जो प्रोविजन जो उसने क्रिएट किया है, वो ग्रेचुटी फंड में नहीं जमा करके डायरेक्टली एम्प्लॉय के हाथ में रख देता है। तो वो जो डिडक्शन होगा स्टूडेंट्स, वो 37(1) में मिलेगा। लेकिन अगर ये ग्रेचुटी का अमाउंट जो है, जो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, अगर आपने एम्प्लॉय को देने के बजाय फंड में ही पैसे जमा करवा दिए, तो फंड में पैसे जमा करने से आपको फायदा मिल गया। और वो फायदा क्या है, आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। 48(9) एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकोगनाइज फंड। बताइए एग्जामिनेशन में वो क्या स्टेटमेंट स्टैंडर्ड आपको मिलता है जो ये दर्शाता है कि हाँ भाई ये अनरिकोगनाइज फंड में क्या है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन गया है। वो कौन सा स्टेटमेंट यूज करती है आईसीआई विथ स्टेटमेंट? स्टूडेंट्स, वो जो स्टेटमेंट जिसको इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज वॉट, दैट इज योर, जल्दी बताओ एग्जामिनेशन में कौन सा स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर ट्रस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर ट्रस्ट। जब भी ये अगर स्टेटमेंट आ जाए, तो मैंने क्या बताया था आपको, आप बोलोगे दैट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द स्टाफ वेलफेयर ट्रस्ट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन अनरिकोगनाइज्ड फंड एंड अकॉर्डिंगली विल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A9। अकॉर्डिंगली विल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A9। ये आपको इस तरीके से ये लिखना होगा। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? तो कीप दैट इन माइंड, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, फाइनेंस चार्जेस है यहाँ पे। इस बार के लिए रिबॉक इंडिया कंपनी, सुप्रीम हाईकोर्ट का जजमेंट है, आईसीआर ने इसको कवर किया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, क्या इसकी रिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, प्रोवाइडेड टेस्ट ये है कि लोन शुड बी अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये जो लोन जो आपने लिया है, शुड बी अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तब जाके ही उस पे जो चढ़ा हुआ है इंटरेस्ट, उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। नाउ लोन टेकन बाय एसएससी व्हिच वाज एडवांस टू थर्ड पार्टीज, जो कि कौन थे थर्ड पार्टीज, बिजनेस एसोसिएट्स थे। वेदर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन सच लोन विल बी अलाउड एज डिडक्शन, क्या इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर उस लोन पे उसकी डिडक्शन मिलेगी? एंड द आंसर इज यस। उसका जजमेंट है रिबॉक इंडिया कंपनी हाईकोर्ट, रिबॉक इंडिया कंपनी हाईकोर्ट। इसमें उसने लिखा था कि अगर बिजनेस एसोसिएट्स को अगर ये लोन दिया गया है कंपनी की तरफ से, तो एक तरीके से समझ के चलिएगा कि क्या उसको माना जाएगा एज अ बिजनेस या कमर्शियल एक्सपीडियंसी। और क्योंकि ये बिजनेस या फिर एक कमर्शियल एक्सपीडियंसी है, टू हेल्प द बिजनेस एसोसिएट्स इन नीड, क्योंकि आज वो जरूरत में है, कल हम जरूरत में रहेंगे, हमें अल्टीमेटली जरूरत होगी। तो अगर आज अगर मैं अगर हेल्प कर सकता हूँ तो कर दिया, अगर ये आपने कर दिया है तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये उम्मीद से कि कल जब हमारे बुरे दिन आएंगे तो वो सामने आएगा, तो बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए। तो इसी वजह से ये सब अपने अपने बिजनेस एसोसिएट को भी संभालना अपने अपने बिजनेस का क्या है, एक पर्टिकुलर दांव पेच है। और इसी वजह से दिस वॉज ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस एक्सपीडियंसी दैट द लोन वॉज बींग डिस्पर्स्ड, हेंस द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन सच लोन विल बी अलाउड एज डिडक्शन। ये अभी का रिबॉक इंडिया है केस लॉ। 36(1)(7) बैड डेट्स की रिडक्शन। अब स्टूडेंट्स, कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन सो फार एज द बैड डेट्स रिडक्शन कंसर्न? तो दो कंडीशन है। पहले तो वो जो अमाउंट जिसकी आपको बैड डेट्स की रिडक्शन चाहिए, वो अमाउंट जिसकी रिडक्शन आपको बैड डेट्स की चाहिए, वो अमाउंट पहले कभी वो अमाउंट इनकम बना हुआ होगा, इट शुड हैव बीन कंसिडर्ड एज द इनकम अर्लियर। तो क्या ये पहले कभी इनकम बना था, ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि वो जो अकाउंट, मतलब कि इनकम कैसे बना होगा, लाइक क्रेडिट सेल आपने की है तो वो एक इफेक्ट तो पीएनएल क्रेडिट साइड में चला जाएगा, दूसरा आपका डेटर्स का केस है, ठीक है। तो
आपको अगर बैड डेट्स उस डेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर चाहिए तो आपको करना क्या होगा, 2617 क्या कहता है, आपको एक्चुअल राइट ऑफ करना होगा दी बैड डेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द डेटर्स. एक्चुअल राइट ऑफ का पॉइंट है स्टूडेंट्स, तब जाके ही क्या, तब जाके ही प्राइमरी आपको ये बेनिफिट इसका ये मिलेगा. अच्छा यहाँ पे और एक स्टूडेंट देखना 41-4, ये आपको पता ही होगा रिकवरी ऑफ बैड डेट्स का. तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट आपने अगर राइट ऑफ किया है बैड डेट्स डेटर्स को इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, ओनली देन यू शैल बी एलिजिबल टू क्लेम व्हाट, ओनली देन यू शैल बी एलिजिबल टू क्लेम द डिडक्शन ऑफ बैड डेट्स. आईसीडीएस की इम्पैक्ट, ये क्या है इम्पैक्ट आपको बता दो. अभी स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि ICDS 4 में इंटरेस्ट को, जो भी इंटरेस्ट इनकम है उसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. बताइए किस बेसिस पे वो रिकॉग्नाइज करेगा इंटरेस्ट इनकम. इंटरेस्ट इनकम किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज होगी, ऑन टाइम बेसिस. तो अगर ऑन टाइम बेसिस आपको इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज करना है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने लोन विजय माल्या को दे दिया है तो इंटरेस्ट एज पर ICDS 4 बोलता है कि टाइम बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते जाओ. आप मुझे बताओ कि क्या मैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉग्नाइज करूंगा, इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर विजय माल्या, क्या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, क्या मैं उसको रिकॉग्नाइज करूंगा. एंड द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि प्रूडेंस, मेरे बुक्स को बनाने में जहां पे प्रूडेंस का अजम्पशन लगता है तो प्रूडेंस कहता है कि इस पर्टिकुलर केस में आपको इंटरेस्ट इनकम मिलने वाला ही नहीं है. तो जब देर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द अल्टीमेट कलेक्शन, यू आर नॉट सपोज टू रिकॉग्नाइज द इंटरेस्ट इनकम. तो ये प्रूडेंस है. तो प्रूडेंस कह रहा है कि नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन टैक्स लॉ बोल रहा है कि नहीं आपको उसको इनकम मानना पड़ेगा. तो फिर कैसे इसको मानोगे इनकम? तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स जो रहेगा आपका वो प्लस ऐड कर देंगे आप क्या, इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर विजय माल्या, इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर विजय माल्या, ठीक है, वो आपने ऐड कर देना है टू गिव द रिस्पेक्ट टू ICDS 4. आपने अपनी इनकम बढ़ा दी, ठीक है. अब आपको ये चीज तो पता है कि भाई आपको इंटरेस्ट इनकम मिलने वाले नहीं है फ्रॉम मिस्टर माल्या, वो प्रिंसिपल की बात कर रहा है. तो फिर मैं बोलता चलो ठीक है, मैं वेव कर रहा हूं इन दिस केस. नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब यहां पे वेव का तो छोड़ो, मुझे अब बैड डेट्स की डिडक्शन चाहिए. मुझे क्या है, बैड डेट्स की डिडक्शन चाहिए. आई वॉन्ट टू क्लेम अ बैड डेट्स डिडक्शन, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मिस्टर विजय माल्या मुझे इंटरेस्ट का अल्टीमेटली नहीं देने वाला है. सो देर इज नो चॉइस नाउ फॉर मी कि ये मुझे देगा नहीं. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बैड डेट्स की डिडक्शन मुझे चाहिए. तो यहां पे अनफॉर्चुनेटली आपको बैड डेट्स की डिडक्शन इसके लिए नहीं मिल सकता क्योंकि बैड डेट्स की डिडक्शन के लिए आपको राइट ऑफ करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो यू आर सपोज टू डू अ राइट ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आप मुझे बताओ इस केस में क्या आप राइट ऑफ कर पाओगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? एंड द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि बुक्स में तो मैंने एंट्री इसकी पास की ही नहीं है, इसको मैंने इनकम अलग से बनाया है थ्रू दी ICDS एडजस्टमेंट, लेकिन एज फार एज माई बुक्स इज कंसर्न ये तो इनकम रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है एज इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर विजय माल्या, ऐसा कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं है. तो जब रिफ्लेक्शन ही नहीं है मेरे बुक्स में तो फिर राइट ऑफ ही नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं राइट ऑफ ही नहीं कर पाऊंगा तो फिर मुझे डिडक्शन तो मिलेगा ही नहीं, जबकि मुझ पे टैक्स इस पे लग चुका था इंटरेस्ट, लेकिन एज पर ICDS 4. तो इसी वजह से ये ICDS क्या कहता है, एज फार एज ICDS इज कंसर्न, व्हाट इट सेज दैट कि जो इनकम, जो आपके जो इनकम ICDS की वजह से बने हुए थे लेकिन उसकी एंट्री बुक्स में नहीं है तो उसको आप उसकी डिडक्शन ले सकते हो. और हम मान के लेंगे कि ये जो कंडीशन है कि दैट अमाउंट शुड हैव बीन कंसिडर्ड एज इनकम अर्लियर एंड द एसेसी शुड हैव रिटन ऑफ द बैड डेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये जो दो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गए हैं, ये हम मान के चलेंगे. 41-4 रिकवरी ऑफ बैड डेट्स अर्लियर अलॉट एज डिडक्शन. तो ये है आपका 41-4 केस लॉ. 3 केस लॉ है स्टूडेंट्स, ये अलग केस लॉ आप लोग देख के चलना है. मैंने आपको करवाया था टी वीरभद्र राव, के कोटेश्वर राव का, दूसरा पी के कैमल, और एक है तपारिया टूल्स लिमिटेड का. ये 3 केस लॉ है 3617 का इस कॉन्टेक्स में. उसी साथ साथ में 371 डू द टेबल, ये केस लॉ का लिस्ट है ब्रुक बॉन इंडिया,
GIC, धर्मपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, IBM ग्लोबल सर्विस लिमिटेड, होंडा सील्स कार्स लिमिटेड, श्याम बुर्लभ कंपनी लिमिटेड, ये केस लॉक करके जाने हैं आपने, इसी में से आएगा इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये केस लॉ हमने अच्छे से इसको किए भी हैं, तो आप बस इसको एक बार क्विकली इसको गो थ्रू करके रखना। अब शुरू, बिफोर वी स्टार्ट सेक्टोरियल, देखिए ये वाला पार्ट जो ये मेरा सेकेंड पार्ट में मैं चालू करूंगा, डिडक्शन ऑन डिपॉजिट, डिडक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ प्रो रेटा में क्या क्या होगा, डिडक्शन ऑन कैपिटल, ये बहुत बड़ा लिस्ट है। अब यहाँ पे आप अल्टीमेटली क्या होगा, छोड़ो, सबसे पहले काम आपको करना है, ये जितने भी छोटे छोटे सेक्शन है यहाँ तक आप लोग पहुँच जाइए, एक बार क्विक रिविजन लेके अपने एंड पे किताब से आप लोग यहाँ तक पहुँच जाइए सही सलामत, और फिर चालू करेंगे ये सबसे बड़ा सेक्टर जहाँ पे आप प्रॉफिटिंग डिडक्शन तक जा रहे हो, AMT है, सेट ऑफ है, पार्टनरशिप फर्म, प्रिजम्पटिव तक, तो ये पूरा पूरा गेम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट बी में रखेंगे, लेकिन तब तक आप यहाँ तक पहुँचेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये स्लाइड को मैं डाल दूंगा कहाँ पे, इन आर DSTC ऐप, यहाँ पे DSTC ऐप में इस चीज़ को डाल दी जाएगी। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये ऐप में अगर आपको नहीं मिले, स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको मिलेगा DSTC के ऐप में, जो प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको स्टडी मटेरियल के सेगमेंट में मिलेगा, और अगर बाई चांस वहाँ नहीं मिले तो आप दिक्कत हो रही है, तो मैंने नंबर स्टार्टिंग में ही आपको नोट करवा दिए थे स्लाइड में, वहाँ पे ये नंबर आप